बकवास करता है, पहले हमारी गाड़ी देख। जी क्या कर रहे हैं आप? तुम तो वहां जाओ, तुम पीछे हटो। आपका बेटा जो आपकी बात नहीं मान रहा ना, हिना बीबी जो है वो उसकी मैथ कर रही है, सारा पता है मुझे। ये जुर्रत मेरी बहन को धोखा देकर हाथ में हाथ डाल के बैठा है तू। आपके लिए खाना नहीं, बस आप खाना खा लो। कोई एहसान नहीं चाहिए हमें तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। इतनी जुर्रत? मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस नौकरानी की बेटी के साथ गुजार लिया ना, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है। बैंक बैलेंस, बिजनेस, घर, ऑफिस, रातों रात उन्हें पानी बेच के सब कुछ चली गई। क्या बात की है हमने अम्मा जी। हाय मेरी किस्मत में राम का, अब यहाँ से काम खत्म करे होर भी तो जाना ना कहीं पर, वहां भी तो काम करना है। शानू मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर पे, तुम खानसामा की ना खाने में मदद कर देना, मैं एनजीओ की मीटिंग में जा रही हूँ। ठीक है। लो आज फिर इतनी बेहुदा सहेलियाँ आ रही हैं ने, देर फिरे मुंह ना दा। माँ जी आपको मेरी फ्रेंड से प्रॉब्लम क्या है? हम सब मिलकर काम करते हैं गरीबों के लिए, उनकी मदद करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं। अगर हम ये सब कुछ ना करें तो वो लोग भूखे मर जाएं। वाह जी वाह, बहुत गरीब मादा सोचते हो तुसी। ऐ खड़ोती ये गरीब एदे वास्ते की कीता जे आज तक तुसी? ऐ जवानी तू लाके बुढ़ी हो गई, इधर की कीता है तुसी एदे वास्ते? क्या हो गया माँ जी आपको, आप कैसी बातें कर रही हैं? ईद पर इसको जोड़ा बनाकर देती हूँ, रमजान में राशन डालकर देती हूँ घर में, घर का खाना जो बच जाता है वो डिब्बों में डालकर देती हूँ, अपने पुराने कपड़े देती हूँ इसको, और क्या करूँ मैं इसके लिए? हाँ जी बहुत बहुत कर दे जनाब, ये अमीर हो गई है, ये बारे न्यारे हो गए ने, ये बहुत अच्छी हो गई है। उन चले शाजिया भी? हाँ चले। हेलो आ गई ये दूसरी सोशल वर्कर, वो तेरे सिते दुपट्टा कितने? माँ जी दुपट्टे का तो फैशन ही नहीं है ना। सुहा ते मिट्टी तेरे फैशन दे उते, एक तो तुसी वन से वन कपड़े पा दिए हो, उतो से तो दुपट्टा भी नहीं लैंदी हो। और पहले वाले की कहणगे कि परवीन चौधरी जड़ी है उसी नू दुपट्टा ही नहीं लैंदियां? क्यों मेरे मुए पुत्र दी इज्जत खराब कर रही हो? माँ जी रास्ते में ले लेगी दुपट्टा, फिक्र मत करे। खुदा हाफिज़। सुहा ते मिट्टी तेरे फैशन से सब पता है मैनू, केड़ा दुपट्टा लैना है, कोई नहीं लैना दुपट्टा तुसी। ओए ना इन्हां नू अपनी परवाह है ते ना अपने बच्चियां दी परवाह है। अबे कपड़ा छोड़, तुझे बोला इंजन धो यार, लेने आ रहे हैं वो गाड़ी। अबे अबे तुझे बोला बेल्ट टाइट कर, क्या कर रहा है? वही कर रहा हूं उस्ताद। पीकू 12 नंबर की चाबी दे जल्दी कर। अबे अब्दुल्ला भाई काम कैसा चल रहा है? सलाम उस्ताद, सब फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ। उस्ताद मेरी अम्मा की तबीयत सही नहीं है, दो दिन की दिहाड़ी और दो दिन की छुट्टी देनी पड़ी। अबे छिछुंदर की औलाद, अबे तेरी माँ को कोई और काम नहीं है, अबे जब देखो बीमार हो जावे वो। तो ये अपने अक्टा में तो नहीं होता ना, तो सास जुबान चला रहा है। अबे वेल पाना खींच के मारोगे दिमाग ठिकाना आ जावेगा तेरा, चल। उस्ताद माँ बीमार है उसकी, दे दे छुट्टी, पैसे तेरा क्या जाता। अबे तो इसके बाबा का कारों का खजाना चल रहा है मेरे पास। मुन्ने इधर। ये पकड़, माँ के लिए दवा ले और छुट्टी कर जाके, तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। ठीक है, अल्लाह सेहत देगा माँ जी को, परेशान नहीं होना। अबे ओ अबे बड़ा सखी लुटेरा चल रहा है तू, हैं? याद रखियो ये पैसे तेरे दिहाड़ी से कटेंगे, अब ना मांगियो मुझसे। नहीं मांगता उस्ताद। अबे ओ करीबो, अबे तुझसे क्या कहा था मैंने? अबे तुझसे मैंने कहा था कि वो मोबाइल ऑयल के नए डब्बों में पुराना ऑयल मिला लाया। वो क्यों? अब्दुल्ला भाई उस्ताद जी कहते हैं एक नए मिलर के डब्बे में एक आधा पुराना मिला दिया करें, इस तरह वो एक के दो हो जाते हैं। अबे नमक हराम, उस्ताद की पोल खोलने से बात ना ही हो, चल काम पे लग। क्या हो गया है उस्ताद? मतलब अल्लाह का कितना करम है तुम पे, पूरे इलाके में सबसे ज्यादा तुम्हारी वर्कशॉप चलती है, ये क्यों लालची हथकंडे इस्तेमाल करते हो? ओ मेरा बच्चा, जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ। अबे मेरा ना बच्चा ना सर पे बाल, तो कर लो ना चौथी।
अबे दिल तो बड़ा चावे, ख्वाहिश भी यही है, पर क्या करूं, जहां भी रिश्ता भेजूं एक ही जवाब आवे। अबे तीन को हजम कर गया, चौथी को खा जावे का। नाई से करूं तेरे रिश्ते की बात। ओ मेरा बच्चा। देख अब तो होटल की रोटी हजम ना होवे मुझसे, है बात करेगा मेरे लिए। अच्छा बात सुन, ये रख, तूने उसको दिए थे ना 500 रुपए, रख शाबाश। देख काम, देख काम सही, काम सही लेके चलूं मैं बाजार में। यार पाला नंबर की गोटी है भाई। करीबो बेटा देख, चाय तो बोल उसको। प्लीज आंटी, आप अपने जैसी सोशल वर्क मॉडर्न सोसाइटी की नुमाइशी खवातीन को समझाएं। आप लोगों ने 500 रुपए देकर ये पब्लिसिटी नहीं खरीदनी, बल्कि इस मुआशरे से गुर्बत को मिटाकर गरीब का नसीब बदलना है। हम कैसे उन लोगों का नसीब बदल सकते हैं? जब भी बात करना है ना, अनहोनी ही करना। ये अनहोनी नहीं है, मुमकिन है, बहुत आसान है, गरीब की किस्मत बदली जा सकती है। अच्छा ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारे पास है ना? अब देखे ना, अगर फरी किसी गरीब लड़की से शादी कर ले तो उसके पूरे खानदान की किस्मत बदल जाएगी। और अगर तुम जैसी अमीर लड़की किसी गरीब कंगले से शादी कर ले तो उस कंगले खानदान की किस्मत भी बदल जाएगी, राइट? ऑफ कोर्स। कंफर्म हो गया आंटी, आपकी बेटी वाकई पागल है। अब आप एक काम करें, जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं, और इसके बाद किसी गरीब कंगले से कदा गाड़ी चलाने वाले से इसकी शादी करना। चुप हो जाओ फरीद, इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें, जो सच को झुटला रहे है ना। तुम ऐसा कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? अगर आप बावेला ना मचाएं, आपके स्टेटस क्लास पे हर्फ ना आए तो नहीं आएगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। आपी? चुप रहो। प्रॉमिस? हाँ मैं वादा करती हूँ तुमसे। परफेक्ट, मैं आपका चैलेंज कबूल करती हूँ। ये लो। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई। तो मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती, जानता हूँ। क्या हुआ? मुझे लग रहा है शायद गाड़ी हीट अप होगी, आज रेडिएटर पे पानी चेक करना भूल गया। रुको मैं साइड पे लगा के देखता हूँ। रेडिएटर मत खोलना, गर्म होगा। ये तो वाकई बहुत गर्म है। सुनी असली यहाँ कहीं पास में कोई मैकेनिक है? जी सर, ये पिछली गली में बस्ती है, वहाँ वर्कशॉप है, आप उन्हें बता दें, वो आके ले जाएंगे। थैंक यू, चल के देखते हैं। अरे भाई मियाँ, तो बड़ा लंबा काम है इसमें, इसकी तो गैसकेट जल गई है, इंजन उतारना पड़ेगा। 4 से 5 दिन का काम है और खर्चा 40 से 50 हजार आवेगा। इतना ज्यादा खर्चा? इससे बेहतर तो कंपनी में दे देते हैं हम गाड़ी। तो भाई मियाँ, कंपनी वाले कौन से मुफ्त में कर देंगे उसको। 1-1.5 लाख का बिल बनावेंगे इसका और कम से कम 10 दिन लगाएंगे अलग। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मैं चेक काट देता हूँ। अब्दुल्ला, अरे अपना इंजन उतार गाड़ी का।
इंजन क्यों उतारू? गैसकेट जल गई है इसकी। इन गैसकेट पे फ्री क्या उस्ताद? अब्दुल्ला उस्ताद मैं हूं कि तू? उस्ताद मुझे मालूम है। अब्दुल्ला इंजन उतार। रेडिएटर चोक कर गया है आपका, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुर्सियां लाओ भाई, फैमिली के साथ आप बैठे, ठंडी बोतल मंगवाता हूं आपके लिए, अभी ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला तुझे तुम्हें बाद में देखूंगा। चाबियां पाने सारी किट लेके आओ जल्दी। फिक्र ना करें सर, ये हो जाता है कभी कभी। अब वो मैकेनिक देख हमारी गाड़ी के गियर बज रहे हैं। सर ये मैं गाड़ी ठीक कर लूँ फिर देखता हूँ। बकवास बनकर हमें जल्दी है। ओ, भाई बहन क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, पहले से इस गाड़ी पे काम कर रहे हैं वो। बकवास बनकर चल, पहले हमारी गाड़ी देख। पहले ये गाड़ी ठीक करूंगा मैं। बकवास करता है, पहले हमारी गाड़ी देख। जी क्या कर रहे हैं आप, क्यों परेशान कर रहे हैं उस आदमी को, शर्म आनी चाहिए आपको। अबे मेरे, अबे जारे मेरे। छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो इसे, छोड़ो। अरे इन्हें पागल हो गई तुम, इनका बीच में क्यों मार रही हो, तुम देख नहीं रहे हो कैसे मार रहे हो इसे, छोड़ो मुझे। सिखाने ना देना। अबे अबे जारे मेरे, मेरे बेटे को मार डालो। अबे कोई तो रोको इनको, अबे रोको जालिमों को, अबे मार डालेंगे इसको ये। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो, खबरदार इसे हाथ लगाया तो आप तोड़ दूंगी। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम लोगों में। हट पीछे, तेरा घर वाला लगता है क्या ये, ले उठा इसको, फेंक गाड़ी में कमीने को। जी सर। कोई भी रोको इसे, छोड़ो इसे, कहां ले जा, तुम तो वहां से आ जाओ, तुम पीछे हटो बुजदिल। तुम लोग जानते नहीं हो आईजी शाहिद मेरे अंकल है, तुम सबको अंदर करवा दूंगी समझे। चलो पीछे। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या कहाँ हो तुम? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ है, कौन था? मैं भी आता हूँ। अरे बात तो सुने मेरी, असद असद। ठीक तो आप? कितनी लाकानूनियत है, ऐसे लगता है लोगों में इंसानियत ही नहीं। कितना टॉर्चर किया तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं उन लोगों को। क्यों? क्या क्यों? नहीं मेरा मतलब है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरा आपका कोई रिश्ता कोई ताल्लुक तो नहीं है? क्यों नहीं है रिश्ता, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को तुम भी मानते हो मैं भी मानती हूँ, इससे बढ़कर कोई रिश्ता होता है क्या? कितनी बुलंद है ना आप, इंसानी रिश्तों पे इतना यकीन रखती हैं? सबको होना चाहिए। आप मेरी वजह से आपको चोट लगी, आप कितनी अच्छी लगी, अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? हिना, हिना असद नाम है मेरा, मैं डॉक्टर को बता के आती हूँ कि तुम होश में आ गए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं दर्द नहीं है ज्यादा, वो बस प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठने लगा था, उठा नहीं जा रहा। हाँ तो मैं पिला देती हूँ ना। आप ये लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ आराम से ले।
गायब हुई ना। इसे टोटली हो गई पापा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप इतना परेशान क्यों रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलो। लेकिन पापा। हाँ हाँ मैं सुन चुका हूँ, उस मैकेनिक की सारी दास्तान सुन चुका हूँ, और जिन लोगों ने वो किया था उसकी सजा भी उनको मिल गई है। मैं सबको अंदर करवा के आ रहा हूँ, अब चलो तुम। मगर पापा। एक मिनट, ये रखें, ये पेशेंट जो इनके साथ आया था ना उसका बिल मुझे भिजवा दें। चलो बेटा। पापा मैं बस बताकर आ रही हूँ, ऐसे बुरा लगता है। बेटा जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमने पूरा कर दिया है, बाकी हॉस्पिटल वाले हैं वो लुक आफ्टर करेंगे उसे। चलो अब चलो। पापा प्लीज। चलो बेटा चलो चलो। भाई, ओ भाई, क्या हुआ तू? भाई चोट कहीं तेरे दिमाग में तो नहीं लगी? क्यों, तुझे पागल लग रहा हूं क्या मैं? नहीं, इतनी चोटें लगी हैं फिर भी मुस्कुरा रहा है। चल तू एक काम कर, तू ये समझ के तेरा भाई पागल हो गया। किसके लिए? किसके लिए, अब मैं तुझे क्या कहूं। देख, हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए पागल होना तो पड़ता है। अच्छा, तो तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। ज्यादा से ज्यादा भी ना तरस खा सकता है कोई हम पे। क्यों, मेरे भाई में किस चीज की कमी है? पैसे की, नौकरी की, औकात की। मोटर मैकेनिक हूँ एक मैं बस। अच्छा ये ले यखनी को, देसी चूजे की बनाई है, इतनी मोहब्बत से पाला था तेरे लिए जिबा कर दिया। मेरा बेचारा कट्टू। आजा भाई, तुझे खुली हवा में बिठाती हूँ, अंदर का तो पंखा भी मर मर के चलता है। आजा बैठ जा आराम से। मैं ना नानी का बिस्तरा ठीक कर रहा हूँ, वरना आके डांटेगी बहुत ज्यादा। कौन है, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती? जी जी आप आइए आइए ना, आए बैठे आए। ये आपके लिए। वो मैं आपकी वर्कशॉप गई थी तो लड़के ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, बल्कि छोड़ के भी गया यहाँ पे। आपका घर बहुत खूबसूरत है। मजाक उड़ा रही हैं आप? नहीं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपकी तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर हूँ पहले से। उस दिन आप अस्पताल में मुझसे मिले बगैर चली गई, खैरियत थी? हाँ वो मैं तो जाना नहीं चाह रही थी, मगर बाबा जबरदस्ती। अच्छा, मुझे अंदाजा हो गया था कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, वरना आप मुझे ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाती। आप प्लीज ये रख लें। नहीं नहीं मैं ये नहीं रख सकता, आप कैसी बात कर रही हैं आप। पहले ही आपने अस्पताल में मेरा बिल दे दिया, और मैं आपसे वादा करता हूँ जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी मैं काम पे खड़ा होऊंगा तो मैं पैसे लौटा दूंगा आपको, ये नहीं रख सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप बहुत अमीर हैं, मेरी मदद करना चाहती हैं। अगर मैं गरीब हूँ लेकिन भिखारी नहीं। आई एम सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं आप सॉरी क्यों कह रही, बल्कि आप यहाँ मेरे घर आई मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपके आने की, शुक्रिया। यू आर वेरी डिफरेंट, बहुत खुददार और बहुत मेहनती हुआ। हम गरीब लोगों के पास बस ये दो चीजें ही तो होती हैं, खुददारी और मेहनत। ये दोनों चीजें निकाल लो ना तो हम भिखारी बन जाते हैं। अब प्लीज बैठिए ना, कुछ खाने के लिए बल्कि क्या क्या मंगाऊं आपके?
जो आपका दिल चाहे खिला दे। लो भाई आगे गर्मा गर्म आलू के पराठे और चटनी, जल्दी से खा ले। ये तो बहुत मजे के हैं। तुम्हारे हाथों में तो वाकई में जादू है, मैंने ऐसे कभी नहीं खाए पहले। ये हम गरीबों की अयाशी है, जब भी कभी मौसम सुहाना होता है तो जो सबसे पहले हमारे जहन में चीज आती है वो आलू के पराठे। क्या हुआ, ये दाल भी बहुत चटपटी है। दाल? दाल नहीं है, ये चटनी है। कैसे बात नहीं, यहाँ पर आकर मैंने जिंदगी का असल रूप देखा, जो कि बहुत हसीन और बहुत खालिस है। मजाक उड़ा रही हो हमारा? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी, सच कह रही। अच्छा तो ठीक है ना, बस फिर तुम आती रहना हमारे घर। बिल्कुल आती जाती रहूंगी, बल्कि तुम भी मेरे घर आना। नहीं, समीना नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि समीना आपके घर जाए, आपके घर की अमीरी ऐशो आराम देखे, उसे इस घर की गुर्बत से नफरत होने लगे। देखिए मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, दोस्ती सिर्फ बराबर के और औकात के लोगों के साथ होती है। बाकी में खर दिमाग हो, तुमने मुझे अपनी हैसियत नहीं बल्कि मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। जा रही हूँ मैं। ये तो खा लो। ही ना? मतलब खर्चा हुआ है, आटा नमक घी, गरीब लोग हैं यार ये। फाइन, कहाँ जा रही हो? ही ना मेरी बात तो सुनो। ही ना? ओ मेरे अल्लाह, हिना मेरी बात तो सुनो। ऐसे नाराज हो के तुम मत जाओ, तुमने तो दोस्ती निभाने का वादा किया था, वो भी पक्की वाली दोस्ती। इस खर दिमाग की वजह से हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? तुम ऐसा करो, ये फोन अपने पास रखो, मैं तुम्हें फोन करूंगी। लेकिन हिना सुनो तो। तुम्हें मैंने कहा था कि पता करो दाखले का, बात की तुमने उस लड़की से? लड़की से? किस लड़की से? वो क्या नाम है उसका? हाय, सच के जाऊं मैं अपने भाई के भोलेपन पर? हैं? क्या मतलब है तेरा? देख भाई, मतलब समझा दिया ना तो फिर कहेगा शर्म कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ये लो, बात करो। किससे? अरे बात करो, कुछ नहीं होता। मैंने क्या बात करनी है? कर लो ना प्लीज, कुछ नहीं होता, बात करो। बोले बोले बोले। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला। ओ मिस्टर खर दिमाग, फोन रख दूं मैं? अच्छा भाई करो बात। वो दरअसल मैंने ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि समीना आगे पढ़े, दाखला ले कॉलेज में, अगर आप उसकी हेल्प कर दोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई शुरू करो, तुम भी एडमिशन। नहीं मेरी बात अभी छोड़े, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो माशरे में उसका भी कोई मकाम होगा, वरना मेरी नानी तो हर वक्त उसके रिश्ते के पीछे पड़ी रहती है। अब्दुल्ला मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने समीना के लिए ऐसा सोचा, मैं कल ही आती हूँ उसे लेने के लिए, बल्कि तुम भी साथ चलना। नहीं, वो मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको ही ले जाना। मुझे लगा कि तुम समीना को अकेले मेरे साथ जाने नहीं दोगे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिस दिन से आपने मुझे वो गधा गाड़ी पे सैर करवाई और जो आपका खुलूस था, अगर उस पे शक करूंगा तो ये तो गुनाह होगा ना। थैंक यू घर दिमाग नहीं कहोगे आप? नहीं।
किधर? वो कह रही है कि वो कल आएगी तुम्हें लेने के लिए, तैयार हो जाना। अच्छा तो 15 मिनट वो यही कहती रही है या कुछ और भी? बस यही खास नहीं, जाओ जाके मुझे कपड़े इस्तेमाल करने, जाओ। हिना, एडमिशन तो हो गया है ना, अब तुम हमें ये कहाँ ले आई हो, घर चलते हैं। तुम्हारा एडमिशन हो गया है तुम्हें बहुत मुबारक हो, अब थोड़ी सी शॉपिंग मेरी तरफ से। शॉपिंग? भाई कितने अच्छे कपड़े। हिना रहने दो ना, ये सब कुछ देर हो रही है, भाई गुस्सा होगा। कुछ नहीं कहता तुम्हारा भाई, तुम देखो अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस। मैं? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। समीना मेरी खातिर प्लीज। मगर मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए नानी, बोलो ना। समीना अब्दुल्ला से मैं बात कर, तुम डरो नहीं, देखो अपने लिए कुछ। नानी मैं आपको इस बुटीक पे लेके चलती हूँ, यहाँ पे कॉटन के सूट हैं। हाँ, चलो। हाँ, चलो। अब देख के नहीं चल सकती आपके? आंखें तो आपकी भी है ना, आप क्यों नहीं देख के चल रहे थे? वैसे आप यहाँ से शॉपिंग करने आएंगे? क्यों, मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकती क्या? अपने लिए ड्रेस लेने आई हूँ मैं। हाँ कर सकती है, कर सकती। कैरी ऑन। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ भाई, नानी गैराज पर आई थी और आपकी अम्मा से भी बात कर रहा था, वो नानी को तो उसने पैसे भी दिए थे, और उस्ताद बब्बन बहन समीना के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। उस्ताद बब्बन की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पे नजर रखे, खून पी जाऊंगा मैं उसका। दुल्ला भाई वो इससे काम ले, ऐसे भी बहन की बदनामी होगी, बस नानी और अम्मा को खबरदार कर दे कि उस्ताद को घर से दूर रहने दे। तू जा, जाके उस्ताद बब्बन को कह दे कि अब्दुल्ला ने वर्कशॉप छोड़ दी, और उसे कहना मेरे पीछे मत आए, मेरे पीछे आया ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, जान दे लूंगा मैं उसकी, बता रहा हूं मैं तुझे। ठीक है भाई, बोल देना उसे छोड़ दिया मैंने काम। नानी नानी क्या कर रही हो, अगर नहीं खाना आ रहा तो बर्गर मंगा लो ना। तू मेरे निवाले ना गिन, अच्छा खाने दे। नानी आपको जैसे खाना है आप वैसे खाएं, आप बिल्कुल मेरी दादी की तरह सच्ची और खरी। सच्ची? और नानी खबरदार खाने दे मुझे, क्यों नजर लगा रही है, निवाले ही गिनती रहती है मेरी। मत तंग करो नानी को समीना, तुम बहुत तंग करती हो इन्हें। अच्छा नानी आप ये बताएं आपको कपड़े पसंद आए? नवडेर सच्चे जाऊं, काश के तू मेरी नवासी होती, इतने अच्छे कपड़े, नंबर वन कपड़े। अच्छा पहले खाना तो खा लो। कारण। अरे ना तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कब से बुटीक में तलाश कर रहा हूँ यार। आप? जी? परी तुम जानते हो? अब नहीं, पहले से तो नहीं जानता, वो कुछ देर पहले हमारी बहुत जोरों की टक्कर हुई है। मैं माजरत कर चुकी हूँ। ये बावला कौन है? ये फरीद है, मेरा कजन, चची जात भी है, खाला जात भी है। भाई हुआ ना तुम्हारा? आप ऐसा भी कह सकती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये मेरा दोस्त है फरीद, ये समीना है और ये समीना की नानी। आओ तुम भी लंच करो और लंच के पैसे भी दो। वाह भाई बहुत खूब, मतलब बिल भी मैं ही दूं। चलो क्या याद करो कि दे देते हैं। नहीं थैंक यू, मैं मंगवाता हूँ अपने लिए। वेटर ए
पुत्र तू जूझी वसती रहो, मेरे पैरों से तू जान पा देती है, सुखी रहो हमेशा पुत्र। हाय मजी, हम गरीबों की जिंदगी में कहाँ सुख। क्यों पुत्र, फिर बिजली का बिल ज्यादा आ गया? नहीं जी, वो बस मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतना पढ़ लिख गया फिर भी बेचारा मोटर मैकेनिक है। शानवी, कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा बेटा? साहब जी, वो 15-16 से भी ज्यादा पढ़ा लिखा। What? हाँ जी। अरे क्या कहा तुमने, मास्टर्स किया हुआ तुम्हारे बेटे ने? तुम नौकरानी और तुम्हारे बेटे ने मास्टर की डिग्री ली हुई है? गरीबा के दिमाग नहीं होंगे, पढ़ लिख नहीं सकते हो। माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। दूर फटे मुंह ते मतलब दा। शानू भी, अपने बेटे से कहना कि वो कल ऑफिस में आकर मुझसे मिले। ये कार्ड रखो मेरा, उसे दे देना। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है। उससे कहना कि जरा ढंग से तैयार होकर जाए, ऐसे उठकर ना चला जाए ऑफिस। कोई जरूरत नहीं है, कपड़े टांग के पाके जाए। कोई ऐसे ने उसकी डिग्री देखनी है, कपड़े नहीं देखने। हद होती है माँ जी। अल्लाह तेरा भला करे, तेरा बच्चा भी कामयाब होवे। चल बस कर। चल मेरा पुत्र, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी तेरी। अल्लाह तेनु खुश रखे। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था तो समीना को मेरे साथ जाने की इजाजत क्यों दी थी? बात यकीन की नहीं है ना, मैंने इजाजत दी थी, कॉलेज जाने की दी थी। और इतनी देर हो गई है, ये सब क्या है? ये सब मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें मेरी खुशी का इतना भी ख्याल नहीं? हम लोग ये खुशी अफोर्ड नहीं कर सकते। समीना को मैंने अपनी बहन कहा है। समीना मेरी बहन है, एक मोटर मैकेनिक की मैकेनिक हूं मैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इन चीजों की आदी हो। तो क्या इसे जीने का हक नहीं है? हक है हिना, जीने का हक है इसे, पर मैं चाहता हूं इसके सारे हक मैं पूरे करूं। तो ठीक है, मैं ये सब वापस ले जाती हूं। और आज के बाद समीना से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूं, और ना ये भूलूंगी कि तुमने फरीद के सामने मेरी इंसल्ट की। फरीद? हाँ फरीद, मेरा कजन है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तुला, तुम्हारी खुददारी को मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन प्लीज हिना का दिल मत तोड़ो, ये ऐसे ही है। हाँ, इसीलिए तो मुझे गधा गाड़ी पे ले गई थी। हो तो वो तुम थे। चाय बनाओ। और सुनो, रख लो ये सब। ये लो, ये तुम्हारे लिए। प्लीज इनकार मत करना। मेरे लिए? Thank you. आओ, फरीद, please. शुक्रिया। कार्ड ले ले, मेरे साहब का कार्ड है, मैंने बात की है, तू मिलने जाके उनसे। मलिक असद? हाँ। अच्छा, चला जाऊंगा, सुबह ही चला जाऊंगा, खुश हो जाओगी फिर। खाने में क्या पकाया, मुझे भूख लगी। आलू मेथी, जा अपनी शहजादी से कहो तुझे डाल दे। हमारा वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है तो। अच्छा भाई, नहीं पड़ती पीछे। चलो अब्दुल्ला साहब, चले जाओ कल फिर, अब माँ लड़ती रही है ना। आप और चाय पियेंगे?
दो कप चाय पी चुका हूँ और मजीद कितनी चाय पीऊंगा अगर आप लोग मुझे समझा देंगे कि मुझे क्या करना है उस वक्त से बैठा हूँ तो मेहरबानी होगी। ये तो आपको कमाल साहब ही बताएंगे। जॉब है तुम्हारे लिए और बहुत अच्छी जॉब है। शुक्रिया। मार्केटिंग में बस थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लेना। मैं आपका क्या ख्याल कर सकता हूँ सर? मतलब कोई खांचा वाचा लगे तो आपस में शेयर कर लेंगे मिल बांट के कुछ। ओ क्या है यहाँ, क्या खांचा वाचा है, क्या समझ रखा है मुझे? हराम खाने को हराम समझता हूं मैं, हराम नहीं कमाना चाहता। बचपन से लेके आज तक मेहनत करके कमाया और मेहनत करके कमाऊंगा। क्या देना अपने साहब से? नहीं है मुझे इस नौकरी की जरूरत, समझे तुम? दो मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे अब्दुल्ला नाराज हो गए, बैठो तो सही, बैठो बैठो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वैसे मेरे दिल में ख्याल आया कि आजकल के लड़के रातों रात अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, मेहनत पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए मैंने फौजिया से और मिस्टर कमाल से ये कहा। लेकिन सर मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ, ईमानदारी और वफादारी पर यकीन रखता हूँ। हमें इस बात का अंदाजा हो गया, तुम पर तुम्हारी माँ की तरबियत का असर है। गुड। लेकिन अब्दुल्ला तुम्हें ग्रूमिंग की जरूरत है। इस सिलसिले में फौजिया, कमाल साहब और मेरा पूरा स्टाफ तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे तुम्हारी सलाहियतों को आजमा कर खुशी होगी। जो कमाल साहब से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो, तुम एक महीने तक इनके अंडर ट्रेनिंग रहोगे। जाओ, गुड लक। जाओ। सर वो थैंक यू। यू आर वेलकम। शानो जी, बीबी जी मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी अच्छा जी। सुनो वो आयशा कहाँ है? जी पता नहीं बीबी जी। अरे हाँ सुनो, वो परसों ना बर्थडे पार्टी है घर में, तो तुम्हें रात को घर पे ही रुकना होगा। बीबी जी मेरा बेटा जो ना उसकी इज्जत बियत नहीं सही। तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बगैर रह ना सके, घर कौन संभालेगा? मगर वो अगर मगर करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा काम के पैसे दे दूंगी। और वैसे भी खाना तो तुम यहाँ से लेके जाती हो ना। अच्छा जी सही है जी, ठीक है। वैसे भी देखो ना, अब घर तुमने ही संभाला हुआ है सारा, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं है तुम्हारा है। बीबी जी मैं इसको ना अपना घर समझती हूँ, प्यार है मुझे आप लोगों से, इसीलिए तो जाती नहीं छोड़ के। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, जाओ कॉफी लेकर आओ मेरे। हाँ जी अच्छा जी। पुतजी कदी तुसी भी अपने वालन तो तेल लुआ लिया करो, देखो की हाल हो है ना दा। दादू मैं तो आपको कहती हूँ जब आप मेरे बालों में तेल लगाती हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन आप बुलाती ही नहीं है मुझे। आई लव यू दादू। मी टू। आप इंग्लिश बोल रही हैं? हाँ बेटा, जब मुझे फिरंगियों के ऊपर गुस्सा आता है ना तब मैं उन्हीं की जबान में उनको बेड़ा गर्क करके मैं गुस्सा निकाल लेती हूँ। माँ जी मैंने हिना की बर्थडे के लिए कुछ लिस्ट बनाई है मेहमानों की, जरा देख लें, अगर आपको किसी और को बुलाना है तो फिर मैं ऐड कर लेती हूँ। 300 लोगों को बुला रही हैं? हाँ तो इतने ही लोग आते हैं हर साल तुम्हारी बर्थडे पे, बल्कि इन सबको तो तुम्हारी बर्थडे का इंतजार रहता है सारे साल। नेवर, इस बार 300 लोग नहीं आएंगे। ये हो गया है तनु हिना पुत्र। तो देखे ना मामा, एक सोशल वर्कर है, वो गरीबों की मदद करती है, और वैसे भी हम क्यों इतने पेट भरे लोगों को बुलाकर अपना पैसा जाया करें इन पर? क्यों ना किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दी जाए इस पैसे से, या किसी गरीब का इलाज करवा दिया जाए। ए तो ठीक है, गुड गुड गुड। हाजी लोग बर्थडे में आते हैं तो महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। हाँ मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, और वैसे भी कोई खुशी का मौका तो है नहीं,
मेरी उम्र में से एक साल कम हो रहा है दादो, तो क्या तुम अकेली बर्थडे मनाओगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बर्थडे तो मेरी बहुत खास होगी। मैं अपने कुछ खास लोगों को बुलाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, सबको इनविटेशन जा चुके हैं और तुम्हारे बाबा ने भी सबको कह दिया है। क्या हो गया तुम्हें? मामा प्लीज, सब कुछ कैंसिल हो सकता है और अगर आपने खामखा की जिद की ना, तो मैं सालगिरह वाले दिन अपने घर से कहीं चली जाऊंगी। हेना, हेना, देख लिया माजी आपने? नहीं तो ना सही। बोलो फरीद, खामोश क्यों खड़े हो? ये क्या बोलेगा असद भाई? आप इसे बता दें कि मैंने इसकी शादी तय कर दी है लायबा के साथ। फरीद की मर्जी के बगैर? तुम चुप करो है ना। देखा आपने किस तरह भड़काती है मेरे बेटे को? माँ मुझे कोई नहीं भड़का रहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ समीना से। I'm very clear about it। ये नहीं होगा माजी। आयशा, जवान बेटा है, कुछ ख्याल करो। और फिर फरीद बहुत समझदार लड़का है। आप सबकी बेजा हिमायत की वजह से इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं सही बता रही हूँ, अगर वो लड़की इस घर में आई मैं उसे शूट कर दूंगी। प्रीत पुत्र, तू उन्हें कह दे कि तेरी दादी उन्हें मिलना चाहती है। दादी जान, पहले मैं समीना को लेकर आऊंगी, आप उससे मिलिएगा, फिर हम उसके घर जाएंगे। थैंक यू दादी। मॉम तो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू दायाबू, थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फरीद इतना संजीदा है कि वो अपने घर बात कर लेगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सच्चे दूसरों की तरह नहीं, जो खर दिमाग होते हैं, रोब झाड़ते हैं और सारी बातें दिली दिल में रख के बैठ जाते हैं। देखो ना, इससे अपना भी बेड़ा गर्क होता है और दूसरों का भी। बुजदिल। ये बुजदिल किसे कहा है तुमने? मेरे मुंह पे ही बुजदिल नहीं हूं मैं बस मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये सोच है कि पहले समीना को अपनी मंजिल मिल जाए तो फिर मैं अपनी मंजिल की जस्तजू करूं। तुम्हें मंजिल तलाश करने की जरूरत नहीं है। तुम इधर देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, लेकिन क्या सोच रहे? वो मैं बस ये सोच रहा था कि फरीद लड़का है यार, वो चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन तुम बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। अच्छा, तो जाओ फिर। जब तुम मेरे लिए लड़ रही होगी तो मैं तुम्हारे शाना बशाना खड़ा तुम्हें नजर आऊंगा। जाओ, दादी कब आ रही है तुम्हारी? बहुत जल्द। तुम्हारी नानी? उनसे भी ज्यादा जल्द। हाँ फौजी, जरा अंदर आना। यस सर। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? सर वो न्यू एम्प्लॉय है ना, क्या नाम है उनका? वो अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला। उन्होंने सुबह सुबह आकर तैयार की थी जो मैंने आपको ईमेल कर दी है। दिस इज अमेजिंग।
इतनी कंप्लीट रिपोर्ट, ये तो आज तक कमाल ने नहीं बनाई, वो भी अक्सर मुझसे डिक्टेशन लेता है। हाँ ये अब्दुल्ला को जरा भिजवाना मेरे पास। एक्सेलेंट इज़न्ट इट सर। मैं कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। एक ही दिन में काफी ग्रो किया तुमने। रिपोर्ट तुमने बनाई? जी सर, वो दरअसल पहली दफा की है, अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। एक्सेलेंट। लगता है कि आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। तुम बहुत तरक्की करोगे, बल्कि तुम्हें तरक्की मिलनी चाहिए। अब सर बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, लेकिन इस रिपोर्ट बनाने में मुझे मिस फौजिया ने बहुत गाइड किया सर। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम तो समझती हो खुद को हरफन मौला। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने आप पर और अपने खाने पकाने पर। रजू, मुझे क्या गुरूर होना है? आप मुझे कह दें, मैं नहीं बनाती, मुझे क्या? ने अपना लहजा सुना है शानो? अपना मुकाबला मेरी शाजिया आप ही से कर रही हो तुम? जी मेरा काहे का मुकाबला आप लोगों से? आप मालिक है, मैं नौकर हूँ, आप आसमान है, मैं जमीन की खाक हूँ। आप में से किसी और का गुस्सा भी मेरे पे तो आ रही है। कैसा गुस्सा? आपका बेटा जो आपकी बात नहीं मान रहा ना, हिना बीबी जो है वो उसकी हिमायत कर रही है, सारा पता है मुझे। तुम्हारी ये जुर्रत! मेरा बेटा थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन तुम कौन होती हो हमारे बच्चों के बारे में बात करने वाली? दो कौड़ी की मासी! तुम्हारी औकात ही यही है, अब खामोशी से ना ये बेकार सा खाना बनाओ, और खबरदार जो बाहर जाके माजी के कान भरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा करो आयशा। अल्लाह खाने को कितना बुरा कह गई। शानो बे, तुमने इनका थप्पड़ क्यों बर्दाश्त किया? चल मैं तुझे ना दूसरी कोठी में काम दिलवाती हूँ। नहीं नहीं, साहब के बड़े एहसान है मुझ पे, मैं इनका थप्पड़ लटा के तो अपने बेटे की नौकरी नहीं खतरे में डाल सकती। ब्रेक लगा, कभी ब्रेक नहीं है क्या तेरी गाड़ी में? है अभी मुंह टूटता मेरा। रक्षा, शाजिया ये रक्षा में कौन लोग आए हैं? वो लोग पता नहीं कौन लोग हैं, हम तो नहीं जानते उन्हें, पता नहीं कहाँ से आ गए। आप भाई साहब के पास बैठे ना, हम आते हैं। वो अकेले बैठे हैं ना, बोर हो रहे हैं। हद करती है ये लड़की भी, क्या करूं मैं इसका। दादी वो लोग आ गए। ये रिक्शे से आए ने? चल चल, अच्छा चल, माशाल्लाह चल, बिस्मिल्लाह कर, आ जा चलने। नानी क्या कर रही हो? ध्यान से चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी ये अब्दुल्ला है और ये समीना मेरी सहेली। अच्छा माशाल्लाह, जीते बसते रहो मेरे बच्चों। और ये है इनकी नानी। और मैं दादी। अब्दुल्ला चलो मैं तुम्हें अपनी मामा और फरीद की मामा से मिलवाती हूँ, आ जाओ समीना। अब भैन जी तुसी भी आओ। खैर नाल रहो मामा। ये अब्दुल्ला है और ये इसकी छोटी बहन समीना, मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अब्दुल्ला ये मेरी मामा है और ये फरीद की मामा आयशा आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी आती हूँ। अंधी औरत, तुम्हें
नजर नहीं आ रहे? उठा से। जी वो मुझे गग्गा कहती होगी जी वो। अब्दुल्ला, समीना, शानो, तू अब्दुल्ला नू जाननी? नहीं जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मैं जरा काम कर रहा हूँ। एक मिनट, मेरी और समीना की माँ। क्या शानो भी तुम्हारी माँ है अब्दुल्ला? हाँ माँ है मेरी। अब्दुल्ला, तुम यहाँ? बहुत खूब शानो मासी, इसका मतलब है तुमने सोची समझी मंसूबा बंदी के साथ इस लड़की को तैयार किया ताकि हमारे घर को लूट सको। ये तुम्हारी बेटी, ये मेरे फरीद के साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है, अपनी अदाओं से पागल कर दिया मेरे बेटे को, ये तुम्हारी बेटी है। बीबी जी, मुझे मुझे इस बात का नहीं पता, मुझसे कसम ले ले, मैं इसका खून पीऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। तू भी इसके साथ मिला हुआ था, गहरत इसका हमराज था तू। क्या हो गया, तू पागल हो गई? अम्मा पीछे आ जा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी माँ है। अरे तुझे चौकीदार पे रखा गई थी, तू साथ मिली हुई थी इसके। बहुत सही है। अरे ये दोनों जो है ना, हिना और ये फरीद, अरे हमारे दरवाजे की चौखट पकड़ी हुई थी इन्होंने, गाड़ियों में घूमते थे, शॉपिंग कराते थे, बोलो ना बोलते क्यों नहीं? आज मेरी नीयत पे हरफ आया है, मैं इस कमीनी को छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरा भी बस कर दे, बस कर दे शानू भी, अब आप समीना पे हाथ नहीं उठाएंगे। सच तो यह है कि मैंने समीना से मोहब्बत की है, और आज मैं अपनी दादी जान, ताया बू, ताई अम्मी, अम्मा और इन तमाम रिश्तेदारों के सामने इकरार करता हूं कि मैं समीना से शादी करूंगा। इसलिए कि इस लड़की ने तुम पर अपनी अदाओं से जादू कर दिया है। प्लीज मामा, इसमें समीना का कोई कसूर नहीं है, फरीद को मैंने मिलवाया था समीना से, समीना नहीं जानती थी इसे। ये शानो और उसकी औलाद की सारी प्लानिंग है, उसकी तबीयत खराब हुई तो गधागाड़ी पे डालकर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई थी ना, और तुमने इसकी जान बचाई थी, तो इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। और शानो, शानो ने तुम्हारे पापा के जरिए नौकरी हासिल कर ली, इन लोगों ने तुम्हें ट्रैप किया है, मैं बता रही हूँ, उस लड़के ने तुम्हें ट्रैप किया है ना। मामा प्लीज बस कर दे, अब्दुल्ला मेरा इंतखाब, पापा, दादू, मैं अब्दुल्ला से शादी करना चाहती हूँ। ये बकवास बंद करो है ना, आप खामोश खड़े, पुलिस को बुलवाए, इन लोगों को बंद कराए, गुरु है पूरा। नहीं 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 बीबी जी नहीं, ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को ना बुलाएं, मैं खुद इनकी जान ले लूंगी। पागल हो गई है वो, देख उस लड़की को देख, अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही है, बाप खड़ा है, दादी खड़ी है, माँ खड़ी है, कौन जूती उतार के बेटी को मार रहा है बता? मेरी माँ कर दो, मेरी जान छोड़ो, तुम लोग दफा हो यहाँ से सारे के सारे। अम्मा,
अम्मा 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 देखना नानी अम्मा नानी अम्मा दरवाजा खोल क्या हो गया क्या शोर मचाया हुआ है क्या हुआ है नानी जल्दी से देख अम्मा ने खुद को बंद कर लिया अरे खोल दरवाजा खोल नहीं तो तोड़ दूंगी खोल दरवाजा अम्मा अम्मा नहीं खोलूंगी नहीं खोलूंगी आज दरवाजा इस बोर्ची खाने से आज मेरी लाश ही जाएगी अरे अम्मा मेरी लाश मेरी दुश्मन हो गई है जिनको जूती की नोक पे रखती थी ना उनके सामने सर झुका दिया मेरा तू ठहर जा दो तीन घंटे रुक जा जरा भी लाश निकलेगी ना तो फिर चीनों कबों को खिला नहीं दे शक अरे तेरा बेड़ा गर्क हो बोर्ची खाने को नापाक कर रही है जा हम खाना खाते खोल तोड़ती हूँ दरवाजा में तोड़ती हूँ दरवाजा खोल नहीं नानी नानी चूल्हा जला लिया नानी रोक अम्मा जो तू कह रही है वो कर रहा हूँ चूल्हा तो मत जलाना अम्मा 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 अरे कमबख्त खोल दरवाजा खुद तो हराम मौत मरेगी हमें जेल में पिटवाएगी अम्मा बाहर निकलता मैं तेरा मुंह तोड़ नहीं तो दरवाजा तोड़ दे हटो आना हटो खबरदार अब्दुल्ला तुमने दरवाजे को हाथ लगाया तुम दरवाजे को हाथ लगाया ना तो मैंने ऐसे तीली सुल्तानी तू देख ले नहीं नहीं अम्मा अम्मा तू ऐसा मत करना तू जो कहेगी ना जो कहेगी मुझे मंजूर है तू बस दरवाजा खोल दे अम्मा कसम खा कसम खा मान से कह रही है ना तू पक्की और पूरी ईमान से बोल रही हूँ ठीक है अब्दुल्ला जा जाके बबन को बुला उसे कह आ अब निकाह पढ़ा इसको रुखसत कर यहाँ से भेज इसको ये अच्छा नहीं कर रही है तू अम्मा ठीक नहीं कर रही है नंबर दे मिला नंबर फोन दे मुझे मैं बात करती हूँ बबन से जल्दी नंबर मिला के दे वरना वरना मैं अपने आपको तीली लगा दूंगी अभी लगाऊंगी तीली नहीं, नहीं भाई भाई तू फोन दे दे ये जिस जानवर में मुझे झोंकना चाहती है झोंकने तो फोन दे 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 रहा हूँ तुझे फोन अम्मा लेकिन आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देखेगी तू वहां तूने इसका निकाह बबन के साथ किया ये हमें घर छोड़ के चला जाऊंगा ये हाँ हाँ जा चला जा अपनी इस नानी फसादन को भी दफा कर ले लेना साथ हाँ हाँ बबन भाई मैं बोल रही हूँ शानू तेरे लिए खुशखबरी है आज शाम को चार बंदे लेकर निकाह पढ़ाने आ जा ज़मीना से हाँ मान गए सारे मान गए ठीक वो तो अलमारी में न ज्वेलरी है और न रकम सब गायब बेड पर ये दो मोबाइल पड़े हुए थे एक का शाजिया का है और एक आयशा का माँ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है मैं सब समझ गई हूँ कि इस जेवर से पैसा लेके केड़ा सौदा करन गई ने अब्दुल्ला खोल दरवाजा बारात आ गई है अब्दुल्ला खोल दरवाजा अब्दुल्ला खोल दरवाजा खोल तेरे हाथ क्यों कांप रहे अरे खोल ना दरवाजा जल्दी खोल इनको भी पता चले कि समीना का होने वाला मियां ना इनसे भी ज्यादा मालदार है लौनो थ्रो इनकी शक्ल पे खोल दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी कितने में बेचा है अपनी बेटी को इस बुड्ढे के साथ बस बेगम साहिबा मुझ में जितनी बर्दाश्त थी बर्दाश्त कर ली मैंने आराम से कह रहा हूं वरना बदतमीजी करूंगा निकल जाइए यहां से जाइए ये लीजिए बड़े मियां आपकी सलामी आइए आइए कैसे आप बैठे
चले मौली साहब, बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें। आप की कर रहे हो हैं? की हो रहे है थे? ये कौन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शानो भी, ये सब क्या है? ये दूल्हा, ये बाराती, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन समीना की शादी है सर, आइए तशरीफ रखिए प्लीज। समीना की शादी हो रही है? जी सर। समीना की शादी एस बिजू नाल? मैं आराम से बड़ी भी, मैं बिजू जी कोई नहीं हूँ, मैं दूल्हा हूँ। दूल्हा फिरे मुंह है वजे दूल्हे दा, लख दी लानत। चल निकल इधरों, नहीं तो मैं ना जुत्ती ला लेनी है तेरे सिर दे विच मारांगी। माँ जी आप क्या कर रही हैं? किसी की बेटी की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हैं? चुप कर, तेरे नाल ते जाके कर ना, मैं फिर नबड़ांगी। वट्टी सोशल वर्कर आई है और तेरे नाल जो मीस नहीं खलोती है ना, तेरी भी खैर नहीं है। माँ जी प्लीज। साढ़े अंदर कोई इंसानियत है भी कि नहीं? बच्चून वाली तीयो, तुसी ते मेरा नाम डबो के रख दिता है। ईशानो, तेनू तेरी ती इन्नी भारी लगन लग पी है कि इस बुढ़े नाल भी आ कर रही है। जी बड़ी बेगम साहब, नुकरानी की बेटी का यही नसीब होगा ना? नहीं नहीं ईशानो भी, आपकी बेटी की शादी जरूर होगी, मगर इसके साथ नहीं होगी, क्योंकि मैं, माजी, फरीद, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह जिसको भी नसीब देता है सबके नसीब बराबर होते हैं। आपकी बेटी के भी नसीब बहुत अच्छे हैं। भाई साहब आप जाएं यहां से, चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और इन बारातियों समेत आपको अंदर करवा दूंगा। मौलाना साहब आप यहीं ठहरिए, आपकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। समीना दी डोली उठेगी और आज ही उठेगी। समीना बॉटी बनेगी लेकिन मेरे फरीद दी। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? खबरदार के आगे किसी ने गल की थी। चल तो अपना शनाख्ती कार्ड दे मौलवी साहब। फरीद ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मामा, आंटी ये तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है इन्हों को। पापा बेटा मुबारक हो, समीना तुम्हारी भाभी बन गई है। सच? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें फरीद, और तुम्हें भी हर दिमाग। साहब जी ये मौलवी साहब दूसरा निकाह भी पढ़ाइए। क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को इस जहन्नुम में क्यों झोंक रहे हैं आप? नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ना करें साहब जी, नमक हरामी की कालक ना मेरे मुंह पे मले।
नहीं शानो भी, अब आपकी और शाजिया की औकात एक जैसी हो जाएगी और मेरे बच्चों की खुशी भी पूरी हो जाएगी। सब मैं आपको, माँ जी को और अपनी बेटी को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। चलो आशा। अब्दुल्ला देख ले, अगर तूने ये निकाह किया तो यूं समझी कि तेरी माँ मर गई तेरे लिए। चल चल तू अंदर जा, ये ड्रामे अंदर कर, बहुत हो गए। चल जा, मर अंदर, चल मर। अम्मा बिस्मिल्लाह करो मौलवी साहब, लेकिन शर्तां हुई होंगी जेड़ी पहले निकाह विच हुई ने। हाँ बिस्मिल्लाह कीजिए मौलाना साहब। समीना ना कर नानी, सोने दे मुझे। समीना कहाँ हूँ मैं? तुम अपनी नानी के पास नहीं, तुम मेरे पास हो। माफ कर दीजिएगा, आंख लग गई थी मेरी। आप भी तो इतनी देर के बाद आए। मेरा इंतजार कर रही थी। तो क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी, हाँ याद आया मुझे। ये तुम्हारे लिए, अब इसे कभी अपने हाथों से जुदा मत करना, क्योंकि ये मेरे प्यार की पहली निशानी है, शादी का तोहफा। शाजिया अभी आपने देखा, माँ जी जाते जाते कैसा खंजर घोंप के चली गई मेरे पेट में। असद भाई के सामने हुक्म सादिर कर दिया कि समीना को घर से कोई नहीं निकाल सकता, और माँ जी का हुक्म असद भाई का ईमान बन जाता है। तुम फिकर मत करो, वो यहाँ से एक दिन खुद ही चली जाएगी। तुम्हें पता उस्ताद अपनी जगह किराए पे दे रहा है। बक्शा बंद कर रहा है? नहीं नहीं, शादी कर रहा है। पीछे मोहल्ले में ईटों के ठेले वाला है ना, उसकी बेवा से, क्या नाम है उसका यार, वो रहमानी खाला। उस्ताद वो वर्कशॉप तुम ले लो ना। मैं? तुम जगह तो देख ही रहे हो, उसी वर्कशॉप की बात कर लो, और कस्टमर भी तुम्हारे बने हुए। खुदा की कसम जब से तुमने वर्कशॉप छोड़ी है ना, कोई कस्टमर भी नहीं आता, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। कोई बाइक वाला पेंचर लगवाने आ गया तो आ गया, वरना कोई उधर का रुक ही नहीं करता। यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उस कमबख्त से बात कैसे करूँ? मैं करूँगा ना, वैसे भी उस्ताद बब्बर ने कहा था कोई पार्टी देखो। मांग क्या रहा है? मांग वो महीने का 15,000 और वो एडवांस 50,000 मांग रहा है। यार महीने का 15,000 तो ठीक है, लेकिन 50,000 तो बात कर, 50,000 ज्यादा है यार, बात करके देख। ले आगे नल का तो बंद करा दे। काम हो गया? हम्म, काम हो गया। हाँ अंदर आओ बताता हूँ। हैं ये क्या स्कीम में करके गए अंदर? मुझे तो लगता है मकान बेचने की मीटिंग हो रही है। हैं? ऐसी की तैसी इसकी, ऐसे कैसे कर सकती है ये? हाँ पानी
नलका बंद कर जाके। मेरे नसीब बताए ना क्या बना। हाँ हो गया है काम। ये लो एक मिनट रुको। हाँ ये 90,000 रुपए। 90,000 अब्दुल्ला? हाँ यार मैं खुद हैरान हो गया हूँ, सोने का रेट इतना बढ़ गया है। वाह ऐसा करें आप ये 50,000 आप रखें। भाई मैं मर गई, ने नोट कहाँ से लाई है, हमसे छुपा रही है। हाय नीसनी जी है, खामन को पैसे से काबू कर रही है, दिखा है कितनी चलाके बाज भी तो नहीं आ रही ना। इससे घर में UPS लगवा लें और नानी और अम्मा के लिए एक नया पंखा ले आए, बहुत गर्मी हो गई है। इस कमरे का पंखा भी चेंज करवा लूं? तुम्हें भी तो गर्मी में सोने की आदत नहीं है ना। आपने प्यार ही इतना दिया है, मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होता। और हम लोग तो गुजारा कर लेंगे, पर उन दोनों को अजियत क्यों दे। ए लड़की जो दौलत छिपाई हुई ना निकाल सारी बात। कौन सी दौलत? वही दौलत जिसे तूने मेरे लड़के को खरीद लिया है। मेरी बात सुन, तेरी तो बड़ी इज्जत थी मल्ले में, तुझे कोई है ख्याल? बड़ी खैरतों वाला था, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ, क्या बोल रही है? वही कह रही हूँ जो तुझे समझ आ रही है। मुझे ये बता इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? नहीं मतलब अब ये भी बताने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। ये जो तेरी बीवी है ना तुझे नोटों की हवा दे के यहाँ से उड़ा के ले जाना चाहती है। कुछ खुदा का खौफ करो रानी, जो बेचारी खुद उड़ के इस दोजख में मेरे पास आई है वो मुझे उड़ा के कहाँ ले जाए। देख जबान देख कैसे चल रही है इसकी। मेरी बात सुन, ये तुझे ले जाके ना अपने बाप के कदमों में डालेगी, तुझे नहीं पता। माँ मैं तो खुद आपके कदमों की धूल बनना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं लेके जा रही हूँ अब्दुल्ला को। मेरी बात सुन इसको समझा ले, इसको कहो मल्ले वालों से मेल मिलाप बिल्कुल छोड़ दे, ये लीडरी शीडरी छोड़ दे, भूल जाए। हद हो गई है, इतने काम कर रही, किसी की नौकरी लगवा रही है, किसी की कमेटियां डलवा रही है, किसी को दुकान खोल के दे रही है, और फिर कहती है वो क्या है वो पानी वाले दफ्तर जाके ना मुजारा करूंगी। अरे कोई शर्म है, कोई इसके घर वालों ने कसर छोड़ी है जो ये पूरी करेगी? अब तो क्या हो गया है, क्या हो गया है अम्मा? इसका जो दिल करता है, इसकी जो मर्जी है, इसकी जो ख्वाहिश है ये करेगी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें। और अम्मा क्या कर रही है? दुनिया में भलाई का काम कर रही है, कुछ चोरी कर रही है, डाके डाल रही है कहीं? है तो तू मुझे कह रहा है मैं चोरी कर रही हूँ, मैं डाके डाल रही हूँ, सुन रही है तू? मुझे ताने दे रहा, तेरी बीवी पास है और मैं चोर डाकू? अरे सत्यानाश हो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अरे अब रो तू अपने नसीब को, है ऐसी बहू जो तुझे मिल गई है। नहीं वो मैंने ये कब कहा है, मेरा ये मतलब नहीं है। अरे चुप कर, पता है जो तेरा मतलब है सब जानते हैं हम। रख तू अपनी बीवी, शर्म कर, ठंड पैगी कलेजे में। अरे चुप कर, मैंने नहीं कहा यार। अब्दुल्ला मैं ऐसा नहीं चाहती, ये क्या हो रहा है यार? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ है। अच्छा तुम प्लीज छोड़ दो, बड़ी है यार, कुछ कह भी दिया तो। कितनी उल्टी बातें कर रही है यार। क्या कह रही है? वो उनकी बात कर रहा हूँ यार, तुमने तो कुछ नहीं कहा। क्या बात है, बैठी हुई क्यों, खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारा अभी तक मूड खराब है? एडमिशन मैंने करवा तो दिया है कुकिंग क्लास में, देखना कुछ ही महीनों में तुम एक्सपर्ट हो जाओगी कुकिंग की। मेरा मूड खराब नहीं है, अब खामखा में मुझसे नाराज हो रहे हैं। समझ गया हूँ तुम्हारा मतलब, तुम हाथों से खा सकती हो, इट्स ओके। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तुम्हें? तो ये पहले बताना था ना तुमने मुझे, अब इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने के बाद बता रही हो मुझे तुम। अब ये क्या कर रही हो? अगर भूख नहीं है तो जबरदस्ती क्यों खा रही हो? आप ही ने तो कहा है कि इतना महंगा रेस्टोरेंट है खाना जाया हो जाएगा। तो एक ही बात को तुम पकड़ के बैठ जाती हो, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने।
अम्मा? परे हो, अम्मा इसे बता दे कल से मैं नए काम पे जा रही हूँ, अपना कमाऊंगी अपना खाऊंगी बस। सुन लिया, कल से तेरी अम्मा नए काम पे जाएगी, अपना कमाएगी अपना खाएगी। मैं भी अपना वर्कशॉप खोल रहा हूँ। हैं? वर्कशॉप? पैसे कहाँ से आए? वो बिना ने अपनी सोने की चेन बेची, मेरा वर्कशॉप बनेगा, इस घर में यूपीएस भी आएगा और अम्मा के कमरे में नया पंखा भी चलेगा। देख ले, अरे मैं तो हमेशा तेरी अम्मा को समझाती हूँ कि हिना जो है ना बहुत ज़हीन है, ऐवें ही नाराज हो जाती है। हाय अम्मा तो कितनी झूठी है, सारा दिन मुझे भरती रहती है, अब मुकर गई। अब्दुल्ला एक बात सुन ले, ये लड़की तुझे ना उल्लू बना रही है। लेकिन अम्मा मुझे ना उसके हाथों उल्लू बनना बड़ा अच्छा लग रहा है। जोरू का गुलाम तो कैसे ना बने कोई ऐसी जोरू का गुलाम जिसे अपने आराम से ज्यादा मेरी माँ के सुकून और आराम का ख्याल है। अपने कमरे का पंखा खराब है अम्मा उसके, लेकिन जिद कर रही है कि तुम्हारे कमरे में पहले नया पंखा लगा। अम्मा इन सब बातों को छोड़े, ये ले ये देखे मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाई, जो सुबह कोरमा आया था ना वही है। मैं तेरे सदके जाऊँ, देख ले सारी जिंदगी लोगों के आगे खाने रखती रही है, तेरी बहू को देख तुझे तख्त पे बिठा के खाना खिला रही है, अरे बहुत खानदानी है बहुत। सुनो लड़की, मेरे लिए जाकर चाय बनाकर लेकर आओ। रुको, रहने दो, मेरा कमरा साफ करो पहले, और खबरदार किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। ये सिर्फ मेरा ऑर्डर सुनेगी शाजियापी। आयशा, शाजियापी अब आपका और मेरा एक साथ गुजारा बिल्कुल मुश्किल है, आप असद भाई से कह के मेरा हिस्सा डिक्लेयर करवा दें, अब बिजनेस मेरा फरीद ही देखेगा। तुम क्या कहना चाह रही हो कि असद बेईमानी कर रहे हैं? अपनी बेटी की आवारगी का इंतकाम हमसे ले रहे हैं, मेरे बेटे को बर्बाद करके, इस दो टके की लड़की की पुष्ट पनाही करके, अपनी मायूसी को समीना की हिमायत करके खत्म करना चाह रहे हैं। आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो, असद घर में है, अगर तुम्हारी ये बदगुमानी वाली बात उन्होंने सुन ली ना तो हम दोनों बहनों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ये दीवार तो अब मैं खुद खड़ी करूंगी, अगर आपने घर में असद भाई से बात नहीं की ना तो मैं उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाऊंगी। आयशा, और आप अच्छी तरह जानती हैं जब मैं अपनी पर आ जाती हूँ ना तो खुद को मनवा के रहती हूँ। तुम खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो, जाओ जाके मेरा कमरा साफ करो। अम्मा मेरे लिए एजाज की बात है आपकी बहू होना, मेरा मकसद नहीं था आपको ताना देना, मैंने आपको ताना नहीं दिया, मान जाए। तूने मुझे मेरी कात याद दिलाई, ताना नहीं दी। हम भूल क्यों नहीं जाती कि आप मासी, आप मेरी सास हैं, ये याद रखें बस। मैं अपनी माँ को छोड़कर आपके दामन में पनाह लेने आई, अपने दामन में छुपा ली प्लीज। क्या दामन में तुझे पनाह दूं, जो तेरे घर वालों ने मेरे दामन में छेद लगाए हैं उसका क्या करूं, अपना आप छुपाना मुश्किल हो गया मेरे से, और तू तू सास दिलाती है मुझे कि मैं तू मेरी मलका है, मैं मासी हूं। आप नहीं भूलना चाहती तो ना भूल, ठीक है मैं आपको मासी कहा करूंगी, लेकिन एक दिन पूरे जमाने को बता दूंगी कि ये मासी मेरा फखर है, मेरा गुरूर है। नहीं, कैसे गुरूर बनाएगी तू मुझे, गुरूर बना कर दिखाऊंगी। ठीक है, बस सोच लिया मैंने भी, जब तक तू मुझे वो गुरूर ना बनाती तब तक तू मुझे मासी कहेगी बस, अम्मा कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं मासी हूँ तेरी, सोच लिया मैंने भी। ठीक है, मैं आपको अम्मा नहीं मासी ही कहा करूंगी, पूरी दुनिया के सामने पूरे जमाने के सामने, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं इसी मासी लफ्ज को अपने नाम के साथ लगाऊंगी, हिना मासी वादा है मेरा। अच्छा मासी खाना खा ले प्लीज। मासी का मतलब पता है आप? मासी का क्या मतलब होना, मासी का मतलब मासी है और क्या होना, माँ जैसी।
माँ सी जैसी हूँ। आपी, आपने असद भाई से बात कर ली? असद अपने कमरे में जाकर खुद बात कर लो, मेरे मुंह मत लगो। लो जी, तो ऐशा बीबी ने इल्जाम लगा दिया। और हुआ क्या, अपनी लिबारी से चादर मिली। इतनी कच्ची हुई कि मैं हैरान हो गई। मैं कहला मेरे पर इल्जाम लगा दी थी फजूल में, हद हो गई। तो लिया वो बड़ी दोस्ती चल रही है, इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई तुम दोनों? क्यों भाई, तुझे क्यों बताएं? हो गई बस, तू बता तेरे काम का क्या हुआ? वो अम्मा, अल्लाह का शुक्र है कब्जा मिल गया वर्कशॉप का, बस कल से काम शुरू। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला। शुक्रिया। पता है हम वर्कशॉप का नाम क्या रखेंगे? क्या? मासी ऑटोस। जबान को लगाम दो अपनी, मेरे सामने बैठ के मेरी माँ को मासी कह रही हो तुम? पागल हो गया, किस तरह बात कर रहा है? वो ठीक कह रही है, मैं हूं उसकी मासी। मासी माँ जैसी, होर की? देखा मेरी माँ सी का रो, खबरदार जो आइंदा मुझे कुछ कहा था। ठीक है। लेकिन ये कोई जादू तो नहीं किया तुमने माँ पे? ऐसे हो नहीं सकता है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ले आ जल्दी से। सर हिना ने इन गवारों के घर जाके इन्हें बोलना सिखा दिया, अपनी हस्ती मिटा दी, उन जैसी बन गई। लेकिन ये तुम्हारी बीवी अभी तक शर्मिंदगी का बायस। मॉम, मैंने कुकिंग क्लास पे ट्यूशन करवा दिया है ना, तो सीख जाएगी। अच्छा बस, शह देने की जरूरत नहीं, इसे आपे से ही बाहर हो जाएगी। ये कार्ड आया है, मिसेस किरमानी के बेटे की शादी है, मैं जरा मसरूफ हूं, तुम चले जाना। मिसेस किरमानी का बेटा? ठीक है, मैं और समीना चले जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? पहले इसकी वजह से कम रुसवाई हो रही है, जो मजीद करवाना चाहते हो? फाइव स्टार होटल में डिनर है, पूरे शहर की जेंट्री आई हुई होगी, ये वहां जाके अपने हाथों से चपड़ चपड़ खाना खाएगी तो फिर क्या होगा? खबरदार जो से इज्जतदार लोगों में लेके गए तो बस कर दें। खुदा का वास्ते बस कर दें, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पत्थर की नहीं हूं मैं, समझी आप? मुझे अभी के अभी मेरे जैसे जाहिल और गवार लोगों के बीच में छोड़कर आए फरीद, ऐसी इज्जत आप जैसे इज्जतदारों को मुबारक हो। देखा तुमने इसे, देखा किस तरह से बात कर रही है जाहिल औरत? Thank you.
पकड़ने के लिए। हाय अल्लाह, सच्ची अम्मा मजा आ गया, अल्लाह की कसम बड़ा मजा आया। तो मैं क्या करूं, माँ को ले जाते हुए तो तेरी माँ मर रही थी ना। हाय अल्लाह, पानी पिला दे। इतने लोग थे, इतने लोग थे, मुझे क्या बताऊं। आए साबिना, आगे हो के ये ले रहे थे। चल ले आ पानी, प्यास लग गई, थक गई हूँ। हाय सबके जमा, अल्लाह मियां तेरी गोद में चांद सितारे उतारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 50? जी जी ठीक है, 50% आपको पहले एडवांस में पेमेंट देनी होगी और 50% बाद में, मंथ के आखिर में। जी जी, 50 लंच बॉक्स हो जाएंगे जी, कल आके एग्रीमेंट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हाय मेरा दिल, 50 लंच बॉक्स। अरे अरे, इसका दिल संभाल। अरे देख ले, अल्लाह ने तेरी सुन ली, बड़ी बिजनेसमैन बना दिया तुझे इसने। बिजनेस वुमन है ये, बिजनेसमैन वो क्या होता है ये। एक और कौन? हेलो हेलो, हाँ हिना बेटा, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा अंकल अकबर। जी अंकल, माशाल्लाह से तुम्हारी सास के हाथ में तो बहुत जायका है, कोफ्ते और बिरयानी का तो जवाब नहीं, और शामी कबाब भी बहुत लजीज थे। तुम ऐसा करो कि कल ऑफिस आ जाओ और ऑर्डर भी ले लो और अपना एडवांस ले लो, एग्रीमेंट करो। अभी तो फिलहाल तुम मेरे ऑफिस का काम संभालो, इंशाल्लाह फैक्ट्री का काम भी इन फ्यूचर दे देंगे। आ जाओ। जी अंकल, मैं कल ही आती हूँ। थैंक यू अंकल। अंकल प्लीज, पापा को पता ना चले इस बारे में। अरे उसको कौन बताएगा, तुम कल ऑफिस आ रही हो ना फिर। जी ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंकल, और ऑफिस। कैसी पत्थर अंग्रेजी बोल रही है। प्लीज और या हमारे स्टाफ को आपके खाने बहुत पसंद आए, तो 30 लंच बॉक्स हमें डेली चाहिए होंगे, तो कोई डिस्काउंट मिल सकता है? देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम लोग सब कुछ प्योर इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो आके सर्वे भी कर सकती हैं। ठीक है तो चलें, रोज आप हमें 2:30 तक जो है ना 30 लंच बॉक्स डिलीवर कर दिए। जी जी हो जाएंगे, 30 डन। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। 30 और हाय हाय। अरे कम इन सर, ये देखें, आपसे कोई मिलना है। ठीक है भेज दो। यस हेलो, दिस इज मारिया करमानी, मिस्टर फरीद, राइट? राइट। फरीद? थैंक यू। ओह, तो आप मेरा नाम भी जानती हैं? पहले नाम जाना, फिर ही तो आई। बाय द वे, आई एम शॉक्ड टू सी यू। क्यों? इतना भयानक हूँ मैं क्या? नहीं, बट यू आर सो यंग फॉर दिस पोस्ट। ऑब्वियस ही बात है, ये ऑफिस ये बिजनेस ये मेरे फादर के, अब बाकी एम्प्लॉयज की तरह मुझे सारी जिंदगी मेहनत करके इस पोस्ट पे तो नहीं पहुंचना। ओ, जितने हसीन आप हैं उतनी खूबसूरत बातें भी कर देते हैं। खैर, यू हैव वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। अब काम की बात हो जाए। माय कंपनी प्रोवाइड द मटेरियल व्हिच यू यूज इन प्रोडक्ट। Can I sit here? Yeah, sure. Oh.
आई थिंक मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। अरे जीरक भाई क्या हो गया, आइए प्लीज। जीरक भाई ये मारिया किरमानी है, इनकी कंपनी रॉ मटेरियल है जो हमारी प्रोडक्ट में यूज होती है वो हमें शो करवाने आए हैं। और मारिया ये मेरे कजन है। ओह जीरक हाय, नाइस टू मीट यू मिस्टर किरमानी। आप बैठिए ना प्लीज, जॉइन अस। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। क्या है आपकी? ग्रैंड 2 करोड़ आपी? आपी? इसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है समझी, इसको छोड़ो और इस पे ध्यान। क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि हालात कितने बदल गए, कल हम क्या थे और आज हम क्या हो गए। बस अल्लाह ताला की इस मेहरबानी से डर भी बहुत लगता है। देखिए ना, जिस तेजी से हमें अल्लाह ने ये मकाम दिया है, कहीं कहीं अल्लाह में छीन ही ना ले। अल्लाह ताला भी जानते हैं ये हम सब की दिन रात की मेहनत है। हिना बाजी चाय। तुमने खाना खा लिया? जी बाजी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम सो जाओ, अब्दुल्ला आएंगे तो मैं खुद खाना गर्म करके दे दूंगी। मैं तुझे पता है ये जो सब हुआ है ना, अल्लाह का इतना करम, वो तेरी आजजी और इंकसारी की वजह से हुआ है। ये सारे भाग अल्लाह ने तुझे इसलिए लगाए हैं। देखना महल्ले वाले कितने खुश हैं, सब काम पे लग गए, सब अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, पक्के घर बन रहे हैं सबके, सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। अम्मा नसीब बदलने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, साफ नियत का फल वो जरूर देता है और मेहनत में बरकत आ जाती है। हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया, देखे ना हर वक्त पकवान सेंटर के बाहर इतने गरीब लोग खाना खा रहे होते हैं, इतने भूखे लोगों के पेट भरते हैं। दुआएं देते होंगे हमें ना?
अब बस दुआएं समेटती रहें और खुश रहें। फरीद, माय लव, देर हो रही है फरीद, उठ जाए। मुझसे दूर मत जाओ। मैं कब दूर हूँ आपसे फरीद? मैं तो आपके बहुत करीब हूँ। तुम? मगर ख्वाब में तो कोई और थी क्या आपके ख्वाबों में? बकवास ना करो, और तुम मेरे ख्वाबों की दुश्मन भी बन गई। बताओ क्यों जगाया? जगा दिया है तो माफ कर दे। वैसे भी घर से बाहर जाकर आपके ख्वाब आपकी हकीकत बन जाएंगे। शक शक शक, एक तो तुम जैसी मेंटालिटी वाली जो औरतें होती है ना, यही सोच होती है उनकी, तंग करके रख दिया। क्यों अचानक से आपने जाने का फैसला कर लिया? हाँ बेटा, यहाँ तो सब कुछ बनावटी है, रिश्ते बनावटी, दोस्तियां बनावटी, बनावटी बनावट है। गांव जाऊंगा, कुछ अरसा अपने बचपन के दोस्तों के साथ गुजारूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तुम समीना को लेकर आना, अरे दादी भी खुश हो जाएगी। असद, मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन मैं आपको बाद में ज्वाइन कर लूंगी। एक्चुअली एनजीओ वालों ने ना मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और बहुत बड़ा बजट दे दिया, जिसकी मुझे निगरानी भी करनी है ना। नहीं ठीक है, तुम अपने काम करो। फरीद, किस वक्त की फ्लाइट है? दाइबो, आपकी फ्लाइट का टाइम तो 2 बजे का है, 11 बज रहे हैं, बस तैयारी करें आप जाने की। आपकी पैकिंग मैंने कर दी अंकल। तुम रो रही हो? आपने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, मैंने 6 महीने गुजार दिए। अब जाते जाते ना शिकायतें लेकर मत बैठ जाना। शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अब मैंने सबर करना सीख लिया। आप मेरे लिए और फरीद के लिए दुआ कीजिएगा। फरीद, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। चिताए को मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आइए मैं आपको एयरपोर्ट भी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ, अपने काम का हर्ज ना करो, मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊंगा। ताहू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बल्कि बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है लड़की। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि अपना पकवान सेंटर और हम खाना खाने के लिए बाहर आए। तो अच्छी बात है, कभी-कभी चेंज अच्छा लगता है। हाँ, कहाँ बैठे? ये फरीद है? हाँ। ये लड़की कौन है इसके साथ? फरीद। अब्दुल्ला। मेरी बहन को धोखा देकर किसी गैर लड़की के हाथ में हाथ डाल के बैठा है तू? लोग देख रहे हैं क्या? मेरी बहन की इज्जत कर रहा है तू? फरीद, ये जाहिल आदमी कौन है? चुप करो तुम, क्या लगती है फरीद की? फरीद मेरी मोहब्बत है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले अब्दुल्ला। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज प्लीज बस कर दो अब्दुल्ला, तुम अपनी इस बदमाशी से अपनी बहन का घर नहीं बसा सकते। फरीद, ये जाहिल है तो इसकी बहन तो इससे भी बढ़कर जाहिल होगी। छोड़ूंगा। अब्दुल्ला, बस करो, ये किन गुंडों बदमाशों के खानदान में फंस कर रह गई हो तुम? अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला
तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी, समझी? फूलों की है मुझसे, बहकावे में आ गया था मैं, अपनी इस कजन की, अपनी इस कजन की बातों में आ गया था मैं। इसकी बहन तो मेरे लिए अजाब बन गई है। अब्दुल्ला प्लीज घर से जिंदा कर दूंगा मैं। अगर तूने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की ना तो तेरी जान के लिए मैं फरी बता रहा हूँ तुझे। अगर इतना हमदर्द है ना तो जा ले जा अपनी बहन को। फरीद, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम्हें घर आके देखती हो, चले अब्दुल्ला प्लीज। जाओ, निकलो यहां से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम्हारी सात पुश्तों में से किसी ने कभी इतना कीमती वाज देखा तक नहीं होगा जो तुमने तोड़ दिया। पागल लड़की, नहीं जानबूझकर नहीं तोड़े मामा। तुम तो चाहती हो इस घर का नुकसान हो, तबाह बर्बाद हो जाए घर, तभी फरीद दूसरी लड़कियों की तरफ मायल हो चुका है। इस घर के मर्द यही करते होंगे, इसीलिए फरीद ने अपनी असलियत दिखाई। बीवी को जूती की नोक पर रखते और बाहर की औरतों से चक्कर चलाते। निकलो यहाँ से। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि फरीद तुमसे मुनकर हो चुका है, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फरीद मुझे इस घर में लेकर आए हैं, वही मुझे छोड़कर आएंगे। और खबरदार अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो। क्या हो रहा है? इसने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया, निकालो उसको यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यकीन था ये बेशर्म लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे। हाय, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फरीद को समझाने के बजाय आप लोग समीना को धक्के देके घर से बाहर निकाल रहे। चलो सर, चलो, तुम अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकोगी। नहीं भाई, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक फरीद आकर मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। वो घटिया शख्स सिर्फ और सिर्फ तलाक देगा तुम्हें। अभी अपनी आंखों से देख के आया किसी और लड़की, अपनी आंखों से देखा रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ बैठे उसे। मैं तो पिछले 6-7 महीने से ही जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ भाई। ये लोग उठते बैठते मुझे ताने देते हैं, घटिया कमजोर नौकरानी की बेटी होने के। इन लोगों के सामने शेर बन जाओ तो ये लोग ठीक हैं। इज्जत दो तो जलील करते हैं ये लोग। फरीद का तो मैं वो हशर करूंगी जो वो सारी जिंदगी याद रखेगा। समीना और फरीद का निकाहनामा मैंने बनवाया जो कि बहुत मजबूत है। देखती हूँ कैसे दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करनी रहा, दूसरी शादी कर चुका हूँ। मॉम, आंटी, मीट माय वाइफ मारिया किरमानी। क्या कहा तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली? जानते भी हो इसका अंजाम कितना भयानक होगा? इन अब ये तुम्हारे अंजाम नतीजे इन चीजों से मैं डरने वाला नहीं। जो मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस नौकरानी की बेटी के साथ गुजार लिया ना, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है? बताओ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं। आप मेरे होते हैं फरीद पर हाथ नहीं उठाएंगे। आंटी, आप पुलिस को कॉल मिलाएं और उन्हें बताएं कि आपके घर में डाकू घुस आए हैं। डाकू घुस आए? डाकू तो तुम हो। डाका तुमने डाला है दूसरे के सुहाग पे। तुम दोनों देखो क्या हशर करूंगी तुम दोनों का। तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगी, समझे? बहुत पछताएंगे आप सब लोग। चल समीना। चलो अब्दुल्ला। नहीं ना, साथ नहीं जाओगी, सारी जिंदगी इनके साथ रहोगी, यही मरोगी। जा, क्या कर रहे भैया? ऐसा मत करें। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जी,
मुझे यूं जलील मत करो, मुझे मुझे अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम मेरे साथ। चलो सबीना। ये क्या कर रहे भाई? अब्दुल्ला, 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 भाई मेरी बात तो सुने। भाई हिना का क्या कसूर है? एक पल में जुदाई कैसे बता। अब्दुल्ला क्या हुआ? खैर है? समीना, समीना, समीना अंदर क्यों नहीं आ रही हो? अंदर आ जाओ। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, क्या हो गया? क्या हुआ समीना? मैं लुट गई हूँ। हाय मगर हुआ क्या है अब्दुल्ला? हिना कहाँ है? अरे ये तो किसी से लड़के आया है। कहाँ है हिना, बोल ना। हिना को उसकी माँ के पास छोड़ आया हूँ मैं। क्या? और समीना को इसलिए लेके आया हूँ कि फरीद ने दूसरी शादी कर ली। फरीद ने शादी शादी कर ली? बहुत अजीब बर्दाश्त किया मैंने अम्मा, आपने तो कभी पूछा भी नहीं मुझे मुड़कर। अब्दुल्ला हिना कहाँ? अगर मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है तो हिना को भी इस घर में खुश रहने का कोई हक नहीं है, छोड़ के आ गया हूं मैं उसे। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? तेरी जुरत कैसे हुई हिना को वहां छोड़ने की? मुझे ये बता, समीना की शादी की थी तो हमने ये शर्त रखी थी कि समीना वहां खुश रहेगी तो हिना यहां खुश रहेगी। भाई ने हिना के साथ बहुत ज्यादती की है, वो हाथ जोड़ती रही, गिर गिराती रही भाई के आगे कि मुझे लेकर जाओ, मगर भाई उसे धुतकार कर यहाँ आ गया। कितना एहसान फरामोश है तू अब्दुल्ला, हैं? जा, जा अभी और इसी वक्त हिना को वापस ले के आ। समीना के साथ जो हुआ देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी बहन से ज्यादा मुझे कोई और प्यारा नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है तो फिर मैं देखती हूँ कि तेरी प्यारी बहन इधर रहती कैसे। मैं खुद जाके हिना को लेके आऊंगी। अम्मा बाहर पकवान सेंटर का ड्राइवर खड़ा है, मैं उसके साथ जा रही हूँ हिना को लेने के लिए। और अम्मा जब तक मैं वापस नहीं आती ना, समीना को एक पानी का घूंटा मिले इस घर में, देखती हूँ। और ठहर जा, मैं भी आ रही हूँ। हिना प्लीज चुप हो जाओ। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उसका उसका मकरू चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। सॉरी से, लेकिन बहुत ही कमजोर इंसान निकला, इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? जो कुछ किया फरीद ने किया था, सजा तुम्हें थी। अफसोस, बहुत अफसोस। इसी बात का अफसोस है मुझे। तुम्हारा मिशन तो पूरा हो गया ना हिना? हिना, हिना अम्मा, हिना, हिना मेरी बात हिना। ओए मासी, क्यों शोर मचा रही हो और आई क्यों यहाँ पे? मैं आपकी आपके बेटे की शिकायत लेके नहीं आई यहाँ पर, मैं अपनी बेटी से मिलने आई, अपनी बहू से, हिना से। हिना, हिना बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है घर में? तो तुम अच्छे भले थे। बस शानो मासी बस, तुम लोगों ने जितना हिना से फायदा उठाना था ना उठा लिया, अब तुम्हारा बेटा इसे यहाँ खुद फेंक कर गया है, ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुम चलो यहाँ से, निकलो, गेट आउट। मैं अपनी बहू से हिना से बात करने के लिए आई हूँ। हिना बेटा क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो? देखो ना अब्दुल्ला ने जो कुछ किया वो गलत किया, तुम्हें पता तो है वो कितना खाद दिमाग है, लेकिन फरीद ने भी जो कुछ किया अच्छा तो नहीं किया ना। अब किस भाई से बर्दाश्त होता है बताओ मुझे, किस भाई से बर्दाश्त होता है कि उसका बेनोई दूसरी बारह लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे? क्या करता वो? देख लिया, हिना नहीं जाएगी, अब निकलो यहां से। Thank you.
मैंने कहा था ना कि मत जाना। मैं जहां से चली थी ना बिरला, तुमने मुझे जिल्लत के उसी ढेर पे वापस ला के बिठा दिया। अम्मा, मुझे एहसान फरामोशी और नमक रामी से नफरत थी और तूने मुझे एहसान फरामोश और नमक राम बना दिया हिना के सामने। हमने कौन सा हिना का पैसा खाया? अम्मा, ये सब कुछ हमारी मेहनत की कमाई, खून पसीने से कमाया है हमने। सोच जरा, याद कर उस वक्त को जब तुझे मासी समझ के सब हकारत की नजर से देखते थे, और आज सब झुक झुक के सलाम करते हैं। ये सब हमारी मेहनत का सिला है। नहीं, नहीं हमारी मेहनत, ये सब हिना की इनायत है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये देख ये सब कुछ उसने मेरे मुंह पर मारा, सब कुछ उसने मेरे हवाले कर दिया। एक दफा मुझे उसने कहा था कि तुम एहसान फरामोश, उसकी मां ने मुझे कहा था, तो मुझे आग लग गई थी। अम्मा, ये क्या कर रही है तू? लेकिन अब नहीं, अब मैं हिना को बता के रहूंगी कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं सिर्फ माँ हूँ और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये ऐश आराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस अपने घर जाना है। नहीं, मुझे वापस जाना है, ये मेरा घर नहीं है, मैं मासी हूँ। सुनशान, मुझे मासी बन के रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। अब अम्मा, शानो संभाल अपने को, शानो नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे अपने घर जाना है, मेरा घर नहीं। अम्मा पानी, अरे होश कर। वक्त ऐसे क्या देख रही हो? ओह माय गॉड फरीद, ये क्या मजाक है ना? अभी इसी वक्त इसको तलाक दो, मैं ना सारी गोलियां इसके सीने में डाल दूंगी। तो मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या किया? इसने मुझे थोड़ी बताया था कि ये शादीशुदा है। खामोश फरीद, तुम मुझे जानते हो, मैं गोली चला दूंगी, तलाक दो इसे। फरीद मुझे तलाक दे दो अभी के अभी, तो वरना ये बेवकूफ औरत तो मुझे मार ही डालेगी। तुम अब्दुल्ला की हमदर्दी के लिए कर रही हो? तुम्हें उसके पास वापस जाना है, तुमने उसकी खातिर ये बंदूक मेरे सीने पे तानी? मैं अब्दुल्ला के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो भी तुम जैसा मर्द है, खुद घर जना परस्त। तुम इसे तलाक देते हो कि नहीं? बोलो, तलाक दोगे कि नहीं? मैं गोली चला दूंगी फरीद, मैं गोली चला दूंगी। रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स, गोली चल जाएगी। छोड़ अब्दुल्ला, छोड़ मेरे पैर, जा यहां से। तू क्यों आया इधर? मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा। क्या माफ कर दूं तुझे मैं? तूने छोड़ा ही क्या है मेरे पास? मेरा मुंह कालक से भर दिया तूने, एहसान फरामोशी की है, बल्कि उन सब लोगों को शर्मिंदा किया जो दुनिया में नेकी बांटते हैं। तूने उसको रुसवा किया, क्या किया तूने उसके साथ? तू यहां से जा, यहां से चला जा, जाता क्यों नहीं है? अम्मा, मेरी बच्ची, तू आ जा, इधर आ जा। माफ कर दे अम्मा। तूने ये क्या किया? तू क्या जरूरत पड़ी थी फरीद को गोली मारने की? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा लगा कि सब कुछ समीना के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। गोली मारी थी तो फिर इसको भी मार गोली। ये भी वही मर्द है फरीद जैसा, खुदगर्ज, बेवफा, मार इसे भी। इन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया, सबकी नजरों में गिरा दिया है मुझे, मगर आपने ये क्या कर लिया है?
देख बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के ना जाइए। आप बार बार मेरे सामने हाथ मत छोड़े, मुझे शर्मिंदा मत करें। तो चली गई ना तो मैं तो समझ मारी जाऊंगी, ये तो पत्थर के बुत बने खड़े, एक बार भी इनकी जबान ने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, खुदा की कसम तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे बगैर अब्दुल्ला अधूरा है यार। हो सके तो मेरी सब की हुई गलतियों के लिए मैंने जो जो तुम्हारा दिल दुखाया है प्लीज इसे कहो ना मुझे माफ कर दे, इसे कहो मुझे माफ कर दे। चल ना कर दे माफ, ये है ये सब ऐसी बेवकूफ कर दिमाग है, माफ कर दे ना। आइंदा मेरा गला दबा देना अब्दुल्ला, लेकिन उन लोगों के सामने कभी मत गिराना जिनके सामने तुम मेरा गुरूर हो, मेरा फख्र हो। माफ कर दो। चल अब्दुल्ला चल चल, उनको बोल डॉक्टर को बुला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख कुछ भी नहीं है मुझे, मैं अपनी बेटी को लेकर घर जाऊंगी, है ना। चल घर चले चल। मैं जाता हूँ। वाह वाह हिना, कितना खूबसूरत ऑफिस है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, ये ऑफिस मेरी बॉस का और मैं इनकी मुलाजिमा हूँ। मेरी जान है, बैठना समीना बैठ जा आराम से। अम्मा देखो ना वक्त कितना बदल गया है। अम्मा कहाँ आपकी जिंदगी में शानो मासी और कहाँ ये बॉस की कुर्सी। वो माजी था और ये हाल है और मुस्तकबिल इससे भी ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सुनो तुम्हारे घर के सामने जो हजार गज का प्लॉट है ना, उनसे मेरी बात चल रही है, बहुत जल्द हम खरीद लेंगे और वहाँ पर हम बनाएंगे मासी पैलेस। लेकिन ये ना तूने वादा किया था कि हम अपना मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो मोहल्ला कौन छोड़ रहा है, हम तो बस परवीन हाउस के सामने एक बहुत खूबसूरत आलिशान मासी पैलेस बनाएंगे। हिना बाजी बाहर कोई वकील साहब आए। हाँ तो उनको अंदर भेजो ना, और सुनो कॉफी और खाने पीने की चीजें भी लेकर आना साहब। जी हिना, फरीद के खिलाफ जाने को मेरा दिल नहीं मान रहा। फरीद के खिलाफ कौन जा रहा है कोर्ट, हम तो बेवफाई और खुदगर्जी के खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कब से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर कर दिया आपने। जी साहब कैसी है आपकी बेगम, ठीक है, तबीयत खराब थी उनकी। अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। वकील साहब ये समीना है अब्दुल्ला की बहन और ये इसके शादी के कागजात हैं, जरा देख लें। देखें निकाह नामे में तो ये शर्त लिखी है कि फरीद समीना की मर्जी के बगैर ना तो दूसरी शादी कर सकता है और ना ही उसे तलाक दे सकता है। इसी बात का तो रोना है, फरीद ने दूसरी शादी कर ली और इसी बात से समीना को अब्दुल्ला वापस ले आएगा। देखें मैं तो अगर मेरी बात माने तो समीना को तो फौरन अपने घर चले जाना चाहिए, इससे इनका केस मजबूत हो जाएगा कि फरीद ने समीना के घर पे होते हुए दूसरी शादी कर ली और बीवी को घर ले आया। मैं तो कहूंगा समीना आपको फौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मगर मैं यहाँ आप कैसे जा सकती हूँ। वकील साहब आप ना अब्दुल्ला को नहीं जानते, वो बड़ा खर दिमाग है, वो तो हिना को भी छोड़ आया था वहां पर। नहीं ये बात सही नहीं है। नहीं समीना तुम खुद नहीं जाओगी वरना अब्दुल्ला नाराज हो जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगी।
मगर अम्मा तू फिक्र ना कर, ना घबरा, तू शुक्र ये कर कितनी आसान वाली बात है कि असद साहब ने तेरा निकाह इतना मजबूत बना दिया कि फरीद को उसकी बेवफाई की सजा जरूर मिलेगी। तुझे मैं लेके चलूंगी, तू मेरे साथ चलो। हाँ मैं फरीद समीना तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा घर और मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अच्छा तुम्हारा गुंडा भाई तो बड़े दावे करके तुम्हें यहाँ से लेकर गया था, चार दिन भी अपने पास रख नहीं सका। मैं अपनी मर्जी से वापस आई। फरीद ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मारिया तुम यहीं रुको, फरीद जाके निकालो उसे फौरन। फरीद ये क्या बदतमीजी है? मैंने पूछा आपसे कि ये क्या बदतमीजी है? ये बीवी है मेरी। आप शायद भूल रहे हैं मैं भी बीवी हूँ आपकी, और ये तो मुझे पता नहीं आप। चुप कर जाओ, आगे एक लफ्ज ना बोलना समझी? फरीद इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से, अभी के अभी, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ओ तुम्हें तो यहाँ से जाना है ही, इसलिए बेहतर यही है कि खुद ही यहाँ से अभी से वक्त चली जाओ। शट योर माउथ। अपने हाथ को काबू में रख वरना तेरा हशर नशर कर दूंगी। अरे इतनी जरूरत? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है फरीद, तुम इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? रिलैक्स रिलैक्स, एक दफा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए फिर देख लेंगे हम। रिलैक्स, मैं इस कमरे में और नहीं रह सकती, ये जाहिल औरत तो मुझे मार ही डालेगी। अच्छा ठीक है, हम गेस्ट रूम में रह लेंगे, अब छोड़ो उसे। दरवाजा क्यों बंद कर दिया नानी? आने दे जिसमें दम है, सर चकरा रहा है मेरा। बात सुन, ये तुझे चक्कर और उल्टियां क्यों आ रही? अब सुन, तुझे तेरी जीत की खुशखबरी मिल गई है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी नानी? अरे तू माँ बनने वाली है। माँ? नानी मैं माँ? हाँ तू फरीद के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सारी निशानियां उसी की है। सच नानी? मगर नानी तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे उम्र का तजर्बा है बेटा, कल किसी डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवा ले, और बात सुन किसी को बताइयो मत। अब देख कैसे तुझे तलाक देता है, अरे इस हालत में तो तलाक होती ही नहीं है। पता नहीं नानी ऐसी हालत है भी कि नहीं। अरे 100% है, लिखवा ले मुझसे, शानों को खुशखबरी सुनाऊंगी। ये लीजिए आपकी अमानत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ की। आई एम सो सॉरी, मैं आपको चाय के लिए नहीं पूछ सकती। एक्चुअली हमारी फैमिली में ना कुछ अजीब और गरीब जाहिल किस्म के लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मसला नहीं है, आप हमें इजाजत दें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इतने सारे पैसे हैं हम घर में कैसे रखेंगे? घबराओ मत, इन पैसों का भी किसी को मालूम नहीं है, इसको बेड के नीचे छुपा देंगे। जल्दी चलें, हाँ, जल्दी जल्दी हो जाने का जल्दी। पुलिस
हमारे पास इस घर का सर्च वारंट है। आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या ये बैग लेकर? इनके पास इस घर के सर्च वारंट है और आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बकवास है? हमने तो कुछ नहीं किया है, हमें क्यों गिरफ्तार करना है? आप पर इल्जाम है कि आपने एनजीओ के लिए आई करोड़ों रुपए की इमदाद पे गबन किया है। और कल आपने अपने अकाउंट से भारी रकम निकलवाई। नहीं, ये हमारी अपनी जाती रकम है। हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। और इस बैग में क्या है? ये हमारा जाती सामान है। मैं और मेरी बहन शहर से बाहर जा रहे हैं। खोलें इसे। आपको कोई इख्तियार नहीं है हमारा जाती सामान चेक करने का। ये है हमारे पास सर्च वारंट, जाओ खोलो इसे। ये हमारा जाती सामान है। सर ये बैग तो नोटों से भरा हुआ है। ये रकम सील करके कस्टडी में लो और ले चलो इनको। जीरक क्या हो रहा है? कुछ करें आप भी। नहीं तो कुछ समझ में मुझे नहीं। मुझे क्यों लेके जा रहा है? आप भी चलें। इंस्पेक्टर साहब इस बैग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इन लोगों ने मुझे कहा कि इनका बैग गाड़ी में रखते, मैं वो रखने जा रहा था। ये सब बातें थाने में जाकर करना, ले चलो इनको। नहीं नहीं छोड़ो मुझे। माय गॉड ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फरीद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी मामा और आंटी इतनी बड़ी क्रिमिनल होगी। मैं अब यहाँ एक पढ़ नहीं रुकूंगी। सॉरी मारिया। मारिया प्लीज सब तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ। फरीद तुम्हारी फैमिली बदनाम हो गई है और मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? नहीं फरीद try to understand me, मेरी बात तो सुनो। नहीं फरीद छोड़ो मुझे। मारिया अरे पुलिस दंदनाती हुई आ गई, वरना वो दोनों तो फरार हो रही थी वो हिना के अंग्रेज बिलोरी मामू के साथ। मामा को मैं बाबा दादू कितना समझाते थे कि दिखावे और बनावट की ये खुदा तरसी छोड़ दें, लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा मत उठाएं, मगर उन्हें समझ नहीं आया। जो कुछ भी हुआ अब्दुल्ला तो मुंह क्या देख रहा है, जाके कुछ कर ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मामा लालच का यही अंजाम होता है, इसमें अब्दुल्ला क्या करेगा? अरे क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम, हाथ पे हाथ धर के बैठी हो। साहबे ऐसी है तो अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास, बड़े से बड़ा वकील करो भाई, मुकदमा लड़ो। आयशा बेगम और शाजिया बेगम को जेल में नहीं जाना चाहिए। आइए वकील साहब। अम्मा वकील साहब आ गए। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। वकील साहब सीधी बात है, फरीद की दूसरी शादी का मुकदमा जाए भाड़ में, इस वक्त उसकी परवाह नहीं है। जो हमारे पे कयामत टूटी है ना उसको हल करें, कुछ भी हो कैसे भी करके शाजिया बीबी और आयशा बीबी की जमानत करें। असद भाई की इज्जत का सवाल है। वकील साहब अपने पैसे की परवाह नहीं करें, अपना शोरूम अपने वर्कशॉप में दोनों बेच दूंगा। हिना की माँ मेरी माँ है, हमारी इज्जत का सवाल है सर। मेरी एनजीओ के मेंबरान से बात हुई है, तकरीबन 17 करोड़ रुपए का गबन है और ये मामला इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं। तो वकील साहब आपकी वकालत किस दिन काम आएगी? देखिए ना आप पैसे की परवाह ना करें, जितना पैसा लगता है लगाने दे, मैं अपनी कोई चीज बेच दूंगी, इसकी फिक्र ना करें, बस उन दोनों को जमानत कराना जरूरी है। आप अभी पुलिस स्टेशन जाएं और जाके सारी सूरत हाल देखें। अब्दुल्ला बल्कि मुझे भी लेके चल, मैं भी जाके उनसे मिल के। ठीक है चलो। मेरा तुम भी चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चलो वकील साहब आइए प्लीज। हाँ चलो आ जाओ।
अब ये खाना आपने मेरा नसीब बना दिया। इससे बेहतर खाना तो हमारे घर के जानवर खाते थे। कहाँ पहुंचा दिया आपने हमें। तुम ज्यादा परहेजगार मत बनो। इन सब चीजों के लिए तुमने ही मुझे उकसाया था। मेरी तरक्की से जलती हो तुम। ये है आपकी तरक्की। शाजिया बेगम, तुम हमारा मजाक उड़ाने आई हो शाना? नहीं जी, नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊंगी। मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेके आई थी। मुझे पता है हवलात का खाना आपसे खाया नहीं जाएगा, इसलिए आपके मतलब का खाना लाई हूँ। खाना? और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अब्दुल्ला ने आपके लिए बहुत अच्छा वकील किया है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या अब्दुल्ला ने वकील किया है हमारे लिए? ने बुरे दिन आ गए हमारे कि तुम्हारा बेटा हमारे लिए वकील करेगा? कोई एहसान नहीं चाहिए हमें तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से। ठीक है जी, मैं चली जाती हूँ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, बस आप खाना खा ले। ये खाना इनको दे दे। देखा, ये हमारा मजाक उड़ाने आई थी। नहीं, फरिश्ता बन के आई थी ये। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी तरबियत का ये अंजाम होगा। ये तुमने क्या किया? मेरे जाते ही सब कुछ लुटा दिया। हाँ भाई, किथे तेरी वोटी जिदी खाते तू अपने प्यो दी पूरी मेहनत जेड़ी है ना, उन्हें पानी पानी कर दिता है। ये दफ्तर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, और हम जमीना का जिधर सौदा हो रहा है तो ऑफिस कैसे बिक सकता है? बिक गया है। सुबह मुझे मैनेजर ने फोन करके बताया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई है? मेरी जमीन नू तू बेच रहा पिया है? ओए, ते मैं स्टे ऑर्डर ले लिया सी, वरना पता नहीं तू मेरी जमीन नू कौड़िया दे भाव बेच देना सी। तो तेरी जुरत किवें हुई है मेरे जूंदे जी मेरी चुदराहट खत्म करन वास्ते? ना हो कुड़ी नु तो दिखा मैनू, केड़ी तू लेडी डायना लेके आ गया है? और ये शाजी और आयशा ने क्या किया? हम दोनों से अपनी ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। नहीं नहीं असद पाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शानू, तू मैं और अम्मा आंटी से मिलकर आ रहे हैं। अम्मा ने वकील का इंतजाम कर लिया, मुकदमा लड़ेंगे। क्या मुकदमा लड़ोगे तुम उन दोनों का? इस मुकदमे से तो हम और जलील हो जाएंगे। कालक मल दिए उन तीनों ने हमारे मुंह पर। देखिए, मुश्किल में अपने ही काम आते हैं ना, और हम आपके अपने। हाँ? ये लोग इसलिए हमदर्दी जता रहे हैं ताकि मैं इनकी बेटी को इनसे माफी मांग लूं। मैं इनसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा, हरगिज नहीं। फरीद, 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 मेरी बात सुनो। नहीं पाजी, इसे जाने दे, ये तो बेचारा है। आप बैठे बैठे मेरी बात सुनो। चलो बैठे। मासी को भी अभी ही आना था।
आराम से। तुमने ऑफिस सेल कर दिया, बैंक से रकम निकलवाई क्यों? क्यों मतलब? मेरा हक था ये। और मेरा हक कौन अदा करेगा? मैंने कब शादी के लिए इनकार किया है? तुम्हारी मामा आंटी के इस कारनामे के बाद कौन से शरीफ माँ बाप अपनी बेटी को शादी करने के लिए इजाजत देंगे? तुमने मुझे बताए बगैर, कोई इतला दिए बगैर तुमने ऑफिस ही सेल कर दिया। और तो और तुमने हमारी जरी जमीन भी सेल करने की कोशिश की। क्या करती मैं और? ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए किया है फरीद। मेरी प्रोटेक्शन? हाँ, तुम्हारी मामा पर मुकदमा होगा, लंबी सजा होगी, भारी जुर्माना होगा, तुम्हारा सब कुछ बिक जाता फरीद। मैंने तो ये सब बेचकर तुम्हें बर्बाद होने से बचाया है। तुम्हारा सरमाया महफूज कर लिया मैंने, खबर तो तुम्हारी आंटी ने किया है, और जुर्माना भी तुम्हारे अंकल भरेंगे, तुम नहीं। और तुम दंदनाते हुए मुझ पे चले आए, जैसे मैं सब कुछ बेच बाज कर फरार हो रही हूँ। सॉरी मारिया, एक्चुअली मैं आंटी और मॉम की गिरफ्तारी के बाद मेरा दिमाग तो जैसे माउफ हो गया। I'm really sorry. It's okay. तुम रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। पता नहीं तुमने खाना खाया भी होगा या नहीं। जाओ। क्या हासिल हुआ? ये रात कैसे गुजरेगी? ये गलीज बिस्तर, ये गंदा तकिया, खुदा आपको पूछेगा आप ही। मुझे बतवा मत दो, दुआ करो कि मेरा दम निकल जाए, मर जाऊं मैं। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़े आंटी, आप सिर्फ हिना की मां नहीं है, मेरी भी मां है। अब्दुल्ला बेटा हमें माफ कर दो, किसी भी तरह हमें यहां से निकालो, अगर असद आ गए तो। आज सुबह ही आए और। क्या क्या असद आ गए? अब क्या होगा? दादी जान भी आ गई, माँ जी आ गई, अब तो एक और कयामत टूटेगी, वो तो हमें गोली मार देंगी। अब्दुल्ला ये सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है, इसने मुझे बरकाया था, ये मक्कार औरत मुझे लालच दी, वो भी सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। प्लीज आंटी ये सब बातें यहाँ सबके सामने मत कीजिए, इससे आपका केस कमजोर होगा। अब प्लीज वकील साहब जो कागजात देने उसमें दस्तखत कर दें, वकील साहब आपको बचा लेंगे इंशाल्लाह। अब अब्दुल्ला कुछ भी करो, मुझे यहां से निकालो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब इन्होंने किया है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, बस मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से निकालो। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास आंटी, बैंक बैलेंस, बिजनेस, घर, ऑफिस, सब कुछ जो आपका था आपके बेटे ने अपनी बीवी के नाम कर दिया है। और जानती हैं बदले में उसने क्या किया है? रातों रात उन्होंने मौने बेच के सब कुछ चली गई वो। ये क्या किया तुम्हारे बेटे ने? फरीद क्या कर दिया, इतना बड़ा धोखा, अब मैं क्या करूंगी? रशीद अभी आपका बेटा जिंदा है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
अभी मुझे वकील साहब के साथ जाके कुछ कागजात तैयार कर लें, रात का खाना लेके आऊंगा। खाने की जरूरत नहीं है, तो बस असद से कहो कि मुझसे मिल ले एक दफा आके प्लीज। मैं बोलता हूँ, अब अपना ख्याल रखिएगा, फिक्र मत कीजिएगा मैम, मैं आपका बेटा आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगा। खुदा हाफिज़। चलिए सर, परेशान मत होइएगा। मारिया, मारिया कहाँ हो? तेरा वॉलेट। मारिया, 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 ये वो गिरफ्तार कर लेते। मुझे क्यों गिरफ्तार करें? मैंने क्या किया? हमें 15 पेटला मिली है। इस फ्लैट में कोई डाकू घुसा है जो मारिया नाम की लड़की को लूटना चाहता है। अरे नहीं नहीं, आपको क्या गलत फहमी हुई है? ये मैं तो खुद लूट गया हूँ, आप जाके देख ले, बल्कि उस लड़की को तलाश करें। बकवास बंद करो, ले चलो इसे। अरे छोड़ो मुझे यार, प्लीज अंकल ये दस्तखत कर दीजिए, कल आंटी की पेशी है, हो सकता है कल ही जमानत हो जाए। नहीं अब्दुल्ला, मेरा शाजी और उसकी बहन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी इस बकबक में मत पड़ो। भाई साहब, आपका ना सही, अब्दुल्ला का तो है ना, उसकी माँ है, और कोई भी बेटा अपनी माँ को मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर मेरी अंजू ने इमरान से बात हुई है, हो सकता है कि वो हर जाना लेकर केस वापस ले ले। वो मेरी इज्जत भी वापस कर देंगे? अगर वो मेरी इज्जत वापस कर सकते हैं तो वो जितना चाहे हर जाना ले ले मुझसे, लेकिन मेरी इज्जत वापस कर दे, कर सकता है वो? असद भाई, वो ऊपर वाला है ना इज्जतों का मुहाफिज, क्यों परेशान होते हैं आप? पुलिस, फरीद, ये सब क्या है? हमें 15 में किसी मारिया नाम की लड़की ने इत्तला दी थी, उसके फ्लैट में कोई डाकू घुसा है, लेकिन जब हम फ्लैट पे पहुंचे तो वहां ये मौजूद था और लड़की गायब। इसका कहना है कि वो लड़की इसकी बीवी थी, इसे लूट कर फरार हो गई। गैरत, बेशर्म इंसान। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई है, ये कोई चोर डाकू नहीं है। आप आइए मेरे साथ। सर आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज आइए, मैं आपको बताता हूँ, ये डाकू नहीं है सर, ये भाई है मेरा, आप आइए। बेगैरत इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। भाईजान नहीं, भाईजान। शानो बहन, मेरा बेटा नहीं था, मैंने इसको बेटे की तरह पाला, ये मेरे भाई का बेटा था, मैंने इसे प्यार दिया, क्या कुछ नहीं इसे दिया, और इसे मुझे ये सिला दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, हौसला, मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। नहीं अंकल, मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या फरीद पर हाथ उठाएं? देखा फरीद, ऐसी होती हैं बीवियां। ये मासी की नौकरानी की बेटी है, और तुम इसका जज्बा देखो, इसकी बातें देखो, शर्म से डूब मरो। आप फरीद को माफ कर दें अंकल, और इनसे कहें कि ये अपनी बीवी ले आए, मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। कहां से लाएगा ये अपनी बीवी? वो तो इसे लूट कर फरार हो गई है। वो मेरी बीवी नहीं है, मेरा उससे कभी निकाह नहीं हुआ।
ना 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 ना, सुबह ही जाके ना खुला का दावा कर दे। समीरा तू तू यहां क्यों आया है? मुंह छुपा ले वरना इसके किरदार की कालक तेरे पिशानी पे लग जाएगी। कैसे हिम्मत हुई तेरी यहां आने की? चला जा वरना गली के लड़कों को बुला के तेरी ऐसी हजामत बनवाऊंगी ना कि तू याद ही रखेगा। चल यहां से। समीरा फेरी बात तो सुनो। मैं आपकी खुशी की खातिर आपकी जिंदगी से निकल जाना चाहती थी फरीद, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप बगैर निकाह के किसी और लड़की के साथ। ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने आर्या की बातों में आके तुमसे बेवफाई जरूर की है, लेकिन मैं कभी अपने किरदार का सौदा नहीं कर सकता। कैसे यकीन करें? मुझे यकीन नहीं। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अरे तू तो क्या, कोई और यकीन ही नहीं करेगा। वो लड़की इतनी लपक झपक थी, ये उसे देख के इसका ईमान कहां सलामत रहा होगा। अरे मर्द जब बीवी के होते हुए किसी और औरत पे निगाह रखे तो समझ लो उसका ईमान जो है ना उसकी छुट्टी हो गई। उठे फरीद, उठे, मैं आपको पट्टी कर। अगर समीना तुम्हें माफ ना करती तो मैं और तुम्हारी दादी भी तुम्हें कभी माफ ना करते। हाय समीना, तू कितनी जालिम है, तू ऐसे माफ करते हैं खून लेके? ये दिलां दे सौदे होंदे न जानू, ये जान भी दे भी सकदे न ते जान ले भी सकदी है। मौका तो नहीं है लेकिन अगर कहें तो आप सबको एक खुशखबरी सुना दूं। कैसी खुशखबरी? आप दादा और दादी पर दादी बनने वाली हैं। क्या समीना, क्या ये सच है? है तो सच मगर अधूरा है। की मतलब शानू? शायद हिना शर्मा आ गई है ये बताते हुए कि आप नाना और आप पर नानी भी बनने वाले। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। मुबारक हो माँ जी, थानू तो बहुत वड्डी खुशखबरी है साडे वास्ते, बल्कि दो खुशखबरियां ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, ये खुशखबरी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक हमारे साथ शाजिया बेगम और आयशा बेगम ना शामिल हों। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। अदालत जानती है इन लोगों का सेवा है जो नुमाइश और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोशल वर्क करती है। खास तौर पर खवातीन एनजीओस इंसानी खिदमात में बहुत आगे हैं। अदालत मिस्टर जीरक को बरी करती है और मिस आयशा की जमानत मंजूर करती है। अदालत इन दोनों पर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद करती है। शाजी असद ने अपनी गलती कबूल कर ली है, लिहाजा अदालत 25 लाख रुपए जुर्माना, 1 माह कैद की सजा सुनाती है। आंटी प्लीज आप रोइए तो मत।
मैं भी आपका बेटा हूँ, आप हमारे साथ चलिए ना प्लीज। मैं तुमसे शानुभी से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों ने मेरा जुर्माना भरा, मुझे रिहाई दिलवाई, मैंने क्या किया तुम लोगों के साथ? नहीं शबीबी, इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका नमक खाया है देखे, और मैं ऐसे वक्त पे आपका साथ छोड़ दूं या आपसे अल्लाह ना करे इंतकाम लूं तो अपनी आखिरत खराब करनी मैंने। बाबा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। सिरक भाई आप भी चलें। देखिए आप मुझे अपनी बेटी समझ लें, बहन समझ लें या फिर भांजी, वो घर आपका भी है, प्लीज चलें। बस कर सुना, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैंने तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, और चलो अंदर चलो, तुम सब मेरे साथ अंदर चलो, और बहन जी आप भी मेरे साथ चले। आज मैं असद भाई से खुद बात करूंगा, आइए। जाइए फरीद, जाके रोक लीजिए उन्हें, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फरीद प्लीज जाए उन्हें रोक ले। क्यों आए थे पुत्र? दादी जान, आयशा मामा भी आई थी, असद अंकल ने उन्हें इस घर में रखने से मना कर दिया और फरीद ने उन्हें मामा मानने से मना कर दिया। की ये बहुत ही दुर्फिट है मूड तेरा फरीद, सारी खुदाई जड़ी है ना वो तेरे पुत्र होते थू थू कर रही होगी। असद भाई मैंने आपसे माफी मांगा है, और ना ही मैं इस बात का दावा करने आया हूं कि मेरे अंदर इंसानियत से सर उठा रहा है, बल्कि मैं अपनी सारी गलती का इकरार कर रहा हूं, और शानो बहन के इंसानियत से मजबूर होकर। कैसा इकरार? सच तो ये कि ना तो मेरी कोई शिपिंग कंपनी है और ना कोई जायदाद है, जो कुछ था वो सिर्फ इस पे लगा दिया कि किसी भी तरह से आप लोगों के गरूर को मट्टी में मिला दो। देखिए हिना ने आज मुझे अपना भाई कहकर सच बोलने पे मजबूर कर दिया, लेकिन जिस तरह से शानो बहन ने अपने नमक खाने की लाज रखी और अब्दुल्ला ने मुझे सहारा दिया, असद भाई मैं आज आपके सामने एक हकीकत और खोलना चाहता हूं। कैसी हकीकत? मारिया फरीद की नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। क्या? वो मेरी आलाकार थी, मेरे गुनाहों में बराबर की शरीक थी। सच कह रहा हूं असद भाई, वो मारिया जो सब कुछ लेके भाग गए, सब कुछ, शाजिया पर जो हिना को तलाक दिलाकर मुझसे शादी करवाना चाहते थे, और आयशा जो किसी भी कीमत पर समीना को तलाक दिलाना चाहते थे। असद की कह रहे हैं? लानत है तेरी सोच दे, ते तेरी आपां दी सोच दे, दो फेड़े मुंह तारे लोकां दा। माँ जी मुझे माफ कर दे। अकीकी माफ करा कम अकले, दो फेड़े मुंह तारा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, दबा हो जा मेरी नजरों के सामने से। अब भी कहें शानू बहन माफी के लायक हैं ये दोनों? सॉरी असद भाई, सॉरी। अंकल नहीं आयशा, माफी मांग समीना को लू ते शानू को लू।
समीना, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या करी मामा, आप ऐसा मत करो। माफ कर दो, शर्मिंदा मत करी मामा। मेरी बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नहीं मामा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो आप प्लीज मत रोए। शानो, मुझे माफ कर दो शानो, मैंने बहुत बुरा किया। नहीं नहीं आशा बेगम, ऐसे ना कहें आप। कमाल, ये लो मेरे घर की फाइल। यार असद, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारा घर खरीदते हुए। तुम मेरी मजबूरी को समझते हो, मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि। अरे शानो बहन, पापा ये क्या कर रहे हैं? पुत्र जी, गाता सौदा हो गया है। साड़ी तो हूँ, छत भी बिक गई है। अगर आप घर बेच रहे हैं, मगर क्यों? अब्दुल्ला, ये सवाल तुम पूछ रहे हो। भाई साहब, आप अपने बेटे के होते हुए घर बेच दे तो कयामत ना आ जाए। रोजगार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना शानू। अंकल, आपका घर, आपका दफ्तर, आपका था, आपका ही रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं भाई साहब। मगर ये सब पापा, अब्दुल्ला ने सर्विस स्टेशन बेचकर आपके ऑफिस और फैक्ट्री का एडवांस वापस कर दिया। अब्दुल्ला, इससे बड़ी अगर कोई गाली है तो मुझे वो दे दो, अगर अपना कारोबार बर्बाद करके मुझे आबाद न करो। भाई साहब, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आपको उधार दे रहे हैं, जब आपके पास होगा हमें आप वापस लौटा दें। यार असद, ये ठीक कह रहे हैं, अपना घर मत बेचो दोस्त, घर बहुत मुश्किल से बनता है, और बसा बसा है घर तो बेचना ऐसा है जैसे अपनी औलाद को बेचना। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो, ये रखो, ठीक है? ये सब कुछ की है माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। तू तो मेरी सब तो चंगी थी है, तन खुश रखे। रोना नहीं है बस, बहुत। अरे भाई शानो, तू तो रोने धोने में लग गई। भाई वो लंगर का क्या होगा? असद मियां, चलो चलो हमारे साथ चलो। फरीद, अगर तूने घर की गाड़ी छोड़ी है ना तो चल निकाल जल्दी से। चल भाई आयशा, चल साथ चल। ओहो नानी, मगर जा कहां रही हो? तू ज्यादा बकवास ना कर, अच्छा हम लोग जा रहे। चलो आओ, जल्दी आओ। वेलकम मिसेस शाजिया, रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपका मुकदमा हमने खत्म करवा दिया। मगर ये कैसे हुआ? आपकी मासी ने 10 लाख रुपए डोनेशन दी और हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपना मुकदमा वापस ले लें, क्योंकि आपके हस्बैंड शायद डाइवोर्स देने वाले थे। क्या? हम सब आपका घर बर्बाद होता कैसे देख सकते थे, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि आपका मुकदमा खत्म करवाया जाए, आपको जेल से वापस लाया जाए और दोबारा आपके घर भेजा जाए। नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आप लोगों ने मुझे रिहा करा दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। एहसान? एहसान तो आप पर आपकी मासी ने किया है, जिसने हरजाना भी अदा किया और हमें भी कायल किया। ऐसी सजा ना दिलवाई जाए जिससे आपका घर बर्बाद हो। मुझे घर नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं जाना घर, मुझे नहीं जाना।
मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। चलो, हमने तो अपना वादा पूरा किया ना, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। जी सलाम अलैकुम वकील साहब। सच में वकील साहब, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू सर। नहीं सर, अभी तक घर तो नहीं पहुंची वो। सर बहुत शुक्रिया आपका, मैं पता करता हूँ। क्या हुआ है अब्दुल्ला? मुबारक, आंटी की जमानत हो गई। लेकिन वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? मैं एनजीओ वालों से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं उस दिन आंटी शाजिया की जमानत का कहने आपको आया था। मेरी माजी भी मेरे साथ थी। जी मैं पता करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वो कह रही है कि आंटी वहाँ गई थी, बहुत डिसहार्ट थी, पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ भी नहीं आई, कहाँ गई होंगी। मैं अंकल को इतला करता हूँ, बहुत जरूरी है ये। वो लोग तो दरगाह गए न्याज। देवी जी, हाँ मैं मर गई। बेगम साहब, आप यहाँ इधर। बेगम साहब, मालकन, आपने अपना ये क्या हाल कर दिया? मैं मुझे देख के मैं किसी की कुछ नहीं लगती, मुझे जाने दो। नहीं नहीं बीबी जी, असल भाई अब माँ जी आए ना, आए ना, आके देखिए बेगम साहब क्या बात है। मुझे बेगम साहबा मत कहो शानू, मुझे जाने दो। नहीं बेगम साहबा नहीं, मैं आपकी मासी हूँ और आप हमेशा से मेरी मलका। खुदा के लिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। असद भाई माँ जी आए। असद भाई आके अपनी इज्जत को संभाले। आ जाए असद भाई, छोड़ दे सब कुछ। चल भाई असद, तू आज पाप जगह ते खलो। आज तू अपना बड़ा दिल ना कीता ना, अल्लाह तेन कदी सखी नहीं करेगा। क्या पता ए तेरी वड्याई है। प्लीज अंकल मान जाइए ना। प्लीज बाबा मेरी खातिर मान जाए। असद भाई शानो भी के एहसानों का मान रख ले प्लीज। असद भाई आगे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं झोली खिलाती हूँ, आप मेरी मलका को माफ कर दे। हाँ माफ कर दे, मैं इनकी मासी हूँ, ये मेरी मन का। मासी की फरियाद सुन, एक बार सुन ले, मेरा मान रख ले, माफ कर दे। नहीं शाना।